मीनाक्षी हाँ? सेमिनार का टाइम हो गया या ये ठीक है ना गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी गुड मॉर्निंग सर मीनाक्षी सर इट्स योर टर्न नाउ ओके इस एक सेमिनार से तुम्हारी लाइफ बदल जाएगी ऑल द बेस्ट थैंक यू सर क्या हुआ मीनाक्षी कुछ नहीं सर मुझे बस जाना है सॉरी मीनाक्षी ये तुम्हारी लाइफ से रिलेटेड है नहीं सर जिसका कॉल अटेंड किया ये मेरी लाइफ है लगता है तुमने गलत कॉल अटेंड की है नहीं सर बिल्कुल नहीं मुझे इसी कॉल का इंतजार था मीनाक्षी बकवास बंद करो और मुद्दे पर आओ तुम्हें पता है हाँ। ये कबड्डी कंपटीशन हमारा खुशी फ्रेंड्स एसोसिएशन करवा रहा है तो एक तरफ है भीमली कबड्डी टीम हाँ। और दूसरी तरफ है सिथम धारा टीम दोनों टीम फाइनल मैच खेल हाँ। रही है और जैसा कि आप जानते हैं ये दोनों टीम पहले अपनी हिम्मत और ताकत दिखा चुकी है तो चलिए देखते हैं फाइनल मैच इसीलिए आज हम पहले ही फाइनल में पहुंच चुके हैं और कसम से आज ये मैच और भी खतरनाक होने वाला है तो आइए शुरू करते हैं दिल थाम कर देखिए फाइनल बस थोड़ी ही देर में खत्म होने वाला है और हम अभी भी उनसे 2 पॉइंट्स पीछे हैं हमें उनसे जीतने के लिए 3 पॉइंट्स की जरूरत है इन्हें हम मजाक चखा कर ही रहेंगे हे हेलो हेलो एक्सक्यूज मी क्या हुआ मैडम बिरजू सर कहाँ है आपको कौन चाहिए बांगर बिरजू पैदी बिरजू पुल्ली बिरजू कृष्णमूर्ति सर के बेटे हमारा बिरजू अरे वो तो कबड्डी में धमाल मचा रहा है वैसे तुम कौन हो मैं बिरजू की लवर चाचा दे आइए भाई आपको पहले बताना चाहिए था ना बिरजू कौन है क्या तुमने कहा था तुम बिरजू की लवर हो हाँ हूँ मैं उसकी लवर हाँ। प्लीज बताइए ना इन सब में से बिरजू कौन है हे
हे भगवान, ये तो लोन अंकल आ रहे हैं। लक्ष्मी पैसे दो। ओके चलो प्याज के पैसे निकालो। कहां भाग रहे हो लाला? मैं आपको कल पैसे देता हूँ ना। तुम सिर्फ मुझ पर नजर रखते हो, मैं पूरे मार्केट पर नजर रखता हूँ। तुम्हारे पास तो पैसे हैं, जुआ खेलने के लिए बचा रखा है क्या? क्या बाज की नजर पाई है अंकल। मैंने ये सब खेलना बहुत पहले छोड़ दिया, लेकिन आज भी बता सकता हूँ किसके पास कौन सा पत्ता है। ये मेरा रिकॉर्ड है, मुझसे चालाकी नहीं चलेगी। पैसे नहीं दिए तो मार डालूंगा। सिर्फ बुढ़िया है। हाँ, जैसे आर के बीच नहीं है, वृद्धाश्रम है, तुझे सारी बुढ़िया नजर आ रही है। वहीं चलते हैं ना भाई, वो शेड्यूल कल का है। अरे रुको 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 रुको, अरे वाह इतनी लंबी हो गई। वो कल से आज तक 2 इंच बढ़ गई है। वो जमीन पर थूक कर क्यों गई? अरे रे रे रे, अच्छे घर की लड़की है यार, किस्मत अच्छी थी तेरी, जमीन पर थूक कर गई। आप ऐसा क्यों कह रहे हैं अंकल? अरे लड़की को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए खुद भी अट्रैक्टिव दिखना पड़ता है, समझे क्या? तुम दोनों का थोपड़ा ही वैसा नहीं है। अच्छा, इन्हें बोलने दे यार, इनकी उम्र इतनी हो गई है, बात ही कर सकते हैं, है ना अंकल? तुम्हें अंदाजा भी नहीं मैं क्या क्या कर सकता हूँ। शादी के पहले मेरे चारों तरफ गोपियाँ हुआ करती थी, मेरे ऊपर कृष्णमूर्ति नाम सूट करता है। क्या सच में? अरे यार अपने जलवों के बारे में क्या बताऊंगा, नहीं तो मेरी एक झलक देखकर लड़कियों की हार्ट बीट रुक जाती थी। लेकिन अगर वो रुक जाए तो हमें उनकी तरफ नहीं देखना चाहिए, लेवल मेंटेन करना चाहिए। हेलो, इसी तरह बुलाती है लेकिन हमें रिएक्ट नहीं करना चाहिए। एक्सक्यूज मी, फिर से बुलाएगी लेकिन हमें इग्नोर करने की एक्टिंग करनी होगी। सर, सर आपसे बात कर रही हूं। अब वो तुम्हें रिस्पेक्ट से बुलाएगी लेकिन हमें उस पर ध्यान नहीं देना चाहिए। तुम सब देख तो रही हो जैसा मैं कह रहा हूँ, राइट? सेम टू सेम अंकल, जैसा आप बता रहे वैसा ही हो रहा है। तुम इतना शॉक्ड क्यों हो रहे हो? सर, क्या मैं आ सकती हूँ? मैं तो ऐसे ही बोल रहा था, यहाँ तो सच में लड़की है। आप कोई मामूली आदमी नहीं है अंकल, साक्षात कामदेव हैं। और वो है सेब। आगे बढ़ो अंकल। बिल्कुल वो सेब है, लेकिन मैं केला हूँ ना, और तुम्हारी आंटी मुझे काट डालेगी। हे भगवान! अंकल, अरे सर, सर, अरे बाप रे, सर, सर, क्या हुआ? आप इतने डरे हुए क्यों लग रहे हैं? अरे वो एक लड़की मेरा पीछा कर रही है। शायद उसका कुछ सामान खो गया है, आपको मिला क्या? वो अपना दिल मुझे दे बैठी है। देखो, जरा हटिए। वो यही है। अरे हटिए ना, क्या बचपना लगा रखा है। हाय आंटी। तुम यहाँ पर क्यों आई हो? क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? सर, क्या सर, आप मुझसे भाग क्यों रहे हैं? तो मुझे क्या करना चाहिए? ये लड़की कौन है? मुझे क्या पता कौन है? मुझे थोड़ा सा पानी मिलेगा? नहीं, आप रुकिए, मुझे आपसे बात करनी है। दरअसल मैं यहाँ आपसे बात करने आई हूँ। इस बारे में मुझे पता नहीं आपको कैसे बताऊं, लेकिन मैं आपको सिर्फ अपनी फीलिंग्स के बारे में बताना चाहती हूँ। क्या हुआ आंटी? वो गिर गया। करेक्ट। मेरी बातों से आपको थोड़ी घबराहट हो सकती है। मैं पहले ही घबरा रहा हूँ। लेकिन मेरा प्यार बिल्कुल सच्चा है। मेरी उम्र के आदमी से प्यार कैसे कर सकती हो? उम्र का प्यार से क्या लेना देना? आपको ठीक लगे तो मैं शादी करना चाहती हूँ। तुमने कहा शादी, लेकिन तुम इसे डायमंड जुबली कहो। करेक्ट है। प्लीज आंटी, ऐसा मत कहिए, मेरे प्यार को समझने की कोशिश कीजिए। अरे ऐसी क्या बात है जो तुम्हें इन्हें देखते ही प्यार हो गया? हैंडसम, फिजिक, एनर्जी। मुझे तो पता ही नहीं था मैं इतना अट्रैक्टिव हूँ। अरे चुप करो, मैं ये शादी नहीं होने दूंगी। आपके हाँ या ना करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं उससे शादी करके रहूंगी। तो तुम मेरे बेटे से प्यार करती हो? तो तुमको पहले बताना चाहिए था ना, बिना मतलब टेंशन ले लिया। अब बताइए ना आंटी, आप लोगों को मैं पसंद हूँ या नहीं? सिर्फ हमारे पसंद करने से क्या होगा, हमारे बेटे पे डिपेंड करता है। वो आप मुझ पर छोड़ दीजिए, मैं सब संभाल लूंगी। इसी बात पर एक सेल्फी हो जाए आंटी। बिजनेस बहुत अच्छे से बढ़ रहा है। मैंने बहुत अच्छा गाया ना। केवल लड़के ही नहीं, यहाँ लड़कियों का भी आना शुरू हो गया है।
हाँ ना, ये यहाँ पर सब जगह ऐसी धूम मचाते हैं हम लोग। हाय हाय, सारी शराब खत्म हो गई है। ए, चुप रहे। हाँ बोलिए। मैं नहीं जानती कि तुम्हें कैसे बताऊं, पर मैं जैसे भी बताऊंगी बात घूम फिर कर उसी पर आ जाएगी। पर मैं कैसे कहूं, मुझे समझ ही नहीं आ रहा। अपने मुंह से कहो। आप जो भी कहना चाहती हैं सीधे सीधे बताइए ना। आई लव यू बिरजू सर। क्या कर रहा है यार? मैं आपसे फिर मिलूंगी, ठीक है ना? बाय बिरजू सर। वाह 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 वाह, मूर्ति सर आपकी लाइफ तो बहुत अच्छी है। सिर्फ दो पेग्स और तीन अंडों के साथ लाइफ फुल मजे में जी रहे हो। मेरे पैक के बारे में सोचना छोड़ो, लड़की के बारे में सोचना शुरू करो। तो आपको पहले ही पता चल गया कि उसने बार में आके मुझे प्रपोज किया है? हाँ? वो बार में भी पहुंच गई? हाँ? क्यों, वो यहाँ भी आई थी क्या? हाँ? यहाँ आकर उसने कहा कि वो तुमसे प्यार करती है और तुमसे शादी करना चाहती है। क्या शादी? पर तुम्हें अपनी गर्लफ्रेंड से शादी करनी है ना? उसे कौन प्यार करेगा डैड? मैं करूंगा। मेरा मतलब है उसके लिए तुम्हारे प्यार ने उसे हम तक पहुँचा दिया। समझी, अगर उसका काम ही बड़े बड़े लोगों से मिलना जुलना हो तो। देखो देखो कैसे नौटंकी कर रहा है। मूर्ति सर, ज्यादा दारू पीने से आप पागल हो गए हैं। मैं तो उसको जानता भी नहीं। अरे पर अब तो उससे प्यार करते हो ना, बड़ी सुंदर लगती है वो, अब तो तुमसे शादी करिए। मैं नहीं करूंगा। क्यों? मेरी बात समझो, किसी बार में प्रपोज करने वाली लड़की से शादी नहीं करनी चाहिए, वरना जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। बातों में कोई नहीं जीत सकता। अंकल चाय बहुत अच्छी बनी है, पता नहीं आपके हाथों में जादू है या इस ग्लास में कमाल की बात है। बेटा जल शंख में डालने पर ही पवित्र सही होता है। बात सही है, बिल्कुल सही है। अंकल के जवाब भी एकदम भारी होते हैं। बिरजू सर। हाय। यार आज वो तुझे प्यार से सर बुला रही है, कल वो तुझे कुछ और ही बुलाएगी। मेरा वो मतलब नहीं था। क्या है? वो पिछली बार मैंने अपनी फीलिंग्स बताई और इस बार मैं यहाँ पर आपके यहाँ सुनने आई हूँ। बताओ क्या लोगी, कॉफी या चाय? आप जो चाहे राजू सर। चाचा एक स्ट्रॉन्ग कॉफी देना। ठीक है बेटा। देखो चंद्रमा का पृथ्वी की चारों ओर चक्कर, ये तो प्राकृतिक है। लड़कियों के लिए चक्कर काटना ये लड़कों का काम है, लेकिन लड़कियों का लड़कों के लिए चक्कर काटना पागलपन होता है। मैं आपके लिए पागल हूँ बिरजू सर। हाँ? ठीक है, क्या नाम है तुम्हारा? मीनाक्षी। क्या करती हो? मैं इंफोसिस में जॉब करती हूँ। कौन सा वाला? वो कैलाशगिरी पहाड़ी जितनी ऊंची बिल्डिंग वाला? अच्छा कितना कमा लेती हो? कटिंग के साथ या उसके बिना? यार मुझे लगता था कि सिर्फ सलून में ही कटिंग होती है। कटिंग के साथ 1,75,000। आपके हिसाब से कम है क्या? अगर इससे काम नहीं चलेगा तो मैं किसी दूसरी बड़ी कंपनी में जॉब कर लूंगी। हाँ बिरजू सर। राजू पागल हो गया है क्या तू? स्टुपिड। मैं तुमसे प्यार करता हूँ। क्या? देखो इस दुनिया में कोई भी किसी से भी प्यार कर सकता है, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। तुम्हारा नाम क्या है? राजू। क्या करते हो तुम? मैं मास बार में गाना गाता हूँ। कितना कमा लेते हो? लगभग 15,000, टिप्स के साथ लगभग 17,000 या 18,000 आ जाते हैं। तुम जानते हो मैं कितना कमाती हूँ? 80,000। हमारे बीच कोई मैच ही नहीं है। अच्छा होगा अपने काम पर ध्यान दो। तुम्हारे क्वेश्चन का ये आंसर है, हम लोग एक साथ सेट नहीं हो सकते। लेकिन बिरजू सर। ए, जाओ यहाँ से जाओ। इस
ऐसे स्पीड से चलोगे तो कब तक पहुंचेंगे? अब यहाँ पे गाड़ी क्यों रोक दी? ऑफिस का टाइम हो रहा है। देखो, तुम्हारा काम तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट है और मेरा मेरे लिए। पैसे देने वाला फोन नहीं उठा रहा, यहीं कहीं आसपास होगा, सुनकर बता सकता हूँ। तुम आराम करो, बैठो। आदि, ए आदि, तुम मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहे? मेरा फोन मेरी मर्जी। ए, हटा इसे। तुम अपनी बेवकूफियों से मुझे परेशान नहीं कर सकते, ये ठीक नहीं है। मुझे ब्याज चाहिए। मेरे पास पैसे नहीं है। अच्छा तो ये बताओ, कब तक पैसे दोगे? एक बार बोला ना, पैसे नहीं है। देखो आदि, ये बात करने का तरीका नहीं है। जब तुम्हें जरूरत थी मैंने मदद की, पैसे दो। अगर नहीं दिया तो सीन मत क्रिएट करो। तो मुझे मारेगा क्या? नहीं आदि। चल बे, निकल यहां से। मुझे पैसे दो। हेलो। हाँ सर, बस पहुंचने ही वाली हूँ मैं। ए, ये कोई मजाक नहीं है। जानता हूँ बिजनेस में ऐसा होता ही है, इसलिए मैंने अपनी उम्र से ज्यादा अपने बेटे पर भरोसा किया है। अगर वो यहाँ आ गया तो तुम्हारा खेल खत्म। अगर वो यहाँ आया तो गेम वो नहीं, हम खेलेंगे। चल बुलाओ उसे। हेलो बिरजू। आज तेरी कहानी खत्म। वो है बिरजू, उसने पैसे लिए लेकिन अब इंटरेस्ट नहीं दे रहा है। मैंने पैसा मांगा तो देखो क्या हाल कर दिया। के हाथ पैर तोड़ डालो। पैसे देने से पहले उसे मेरे पैरों में गिरना होगा। आपको थोड़ा सा भी सेंस है क्या? इन जैसे लोगों के साथ बिजनेस कैसे कर सकते हैं? अब ये तो होना ही था ना। चलो मां। अरे ओ, तूने तो कहा था कि ये हमारा गेम बजाएगा। ये तो पूरा का पूरा झंडू निकला। जा छुप जा मां के आंचल में। ए, इसकी बकवास सुन के तेरा खून नहीं खौलता? हाँ तो ये इन्हें फील होना चाहिए, मुझे नहीं। हे, ये क्या बोल रहा है? मैंने उससे कहा कि मैंने एक आदमी पैदा किया है और वो। हाँ तो आप भी एक आदमी हो ना, और ये मेरी माँ बनने से पहले आपकी पत्नी है, तो आपको गुस्सा क्यों नहीं आ रहा है? इनसे डरते हो क्या? ए, बोलिए ना। हाँ? हे। मतलब हिम्मत, उनको अपनी पत्नी के सामने जाके मारो। अरे हो गई क्या तुम लोगों की मीटिंग? लड़ना है तो सोच क्या रहा है, आ जाना। अरे बाप रे, देखा उसने अभी क्या कहा? छी, लानत है ऐसी जिंदगी पर। अरे सुनने में भी शर्म आती है। आपको कितना गुस्सा आना चाहिए? आपको खुद से मारने का मन ही नहीं कर रहा है ना? सिर्फ ये सोचना इनफ नहीं है कि आपने एक लड़के को पैदा किया, क्या हुआ आप जीत नहीं पाएंगे? अरे जीत के बारे में भूल जाइए, जाओ कम से कम कोशिश तो करो। काय को बकवास कर रहा बे? तेरा बाप कोई हीरो है क्या? हर बाप एक हीरो होता है और तू तो जीरो है बे। आप हीरो है डैड, लीजिए मारिए। आजा।
अरे अरे पीछे देखिए। डैड आप रिलैक्स कीजिए, मैं इनका क्या करता हूं देखिए। फोड़ डालो, मेरा राउंड हो गया, शर्ट दो। बहुत अच्छे। पैसे निकाल निकाल। थैंक्स बेटा, मैंने काफी टाइम बाद ऐसा एक्शन दिखा है। बहुत अच्छे डैड, चलो इन सबको सुलाई दिया। ए भास्कर, हाँ हाँ, मार दो। अरे वहां क्यों, अरे बॉल यहाँ पे मारना। भास्कर भास्कर भास्कर, यार क्या कर रहा है, क्या यार। ए, उसे बोल रो मत, क्यों परेशान हो रहा है। तुम मेरे दर्द को नहीं समझोगे, मुझे लगा प्यार करती है। अरे प्यार नहीं करती है वो, उसने बस अपने मजे के लिए ही इसका इस्तेमाल करके छोड़ दिया। ऐसा क्या। अरे चलना बिरजू सा। भाई भाई भाई, एक आइडिया है, जैसे मेरे लड़की ने मेरा यूज किया, तुम उसका यूज करो। मेरा मतलब उस तरह का यूज नहीं, पैसे वाला। हा? हा? तो। मुझे क्यों मारा। क्या हुआ बिरजू सर। अरे इन पागलों को पता नहीं आंसू कितने कीमती होते हैं, कोई लड़की ने ठुकरा दे या माँ बाप किसी बात पर मना कर दे और मेरे जैसे दोस्त के मना करने पर भी रोते हैं। क्या हुआ, सोच रही हो क्यों। सिर्फ एक फालतू सी पार्टी के लिए। पार्टी, एक्चुअली आज इसका बर्थडे है तो पार्टी करने की बात हो गई। उसने इससे पार्टी देने के लिए कहा, मैंने कहा कि ये महीने का एंड है और हमारी सैलरी मिलने के बाद हम पार्टी भी कर लेंगे, तो ये रोने लग गया उल्लू का पट्टी। जेब में पैसे नहीं और पार्टी करने चले। बेचारा, तो बर्थडे पर पार्टी रख लीजिए ना, अच्छे से सेलिब्रेट करेंगे। हम भी तो सेलिब्रेट करना चाहते हैं लेकिन हमारे पास पैसे ही नहीं है। उसे दया आ रही है क्या। हाँ आ रही है। पार्टी के पैसे मैं दे दूंगी सर। सच में तुम्हारी जिद ने एक लड़की को कितना बुरा फील करवा दिया। बिरजू सर, अगर आपको ऐसा लगता है तो फिर ऐसा नहीं करते। इनके लिए, सिर्फ इन बेवकूफों के लिए इतनी खतरनाक सेटिंग। मैं तुम्हारे साथ पब में आऊंगा, अगर तुम्हें इससे कोई प्रॉब्लम ना हो तो। हेलो बिरजू सर, बहुत हैंडसम लग रहे हैं, नाइस हेयर स्टाइल, वाओ। ए मुझे काट दे। एक्सक्यूज मी, इन्हें बार में ले जाइए। ओके मैम। ओके गाइस, एंजॉय कीजिए। ओके, हे बाय। हे चला जा। ए खा पी के इतना तगड़ा बिल बनाओ ना कि उसे कल से हमारी ओर देखने में भी डर लगे। जिस तरह हम लोग फ्री का वाईफाई इस्तेमाल करते हैं ना, वैसे ही फ्री की दारू पीकर ये पार्टी एंजॉय करते हैं। तो फिर शुरू करो। चीयर्स। हे
ढिंचक ढिंचक मैं करूं डीजे वाला बाबू हूं, मुझे ना सिखाओ हिंदी मैं तो सब जानू, सबकी मैं तो सेटिंग हूं, फ्लर्टिंग सबसे मैं करूं, अरे देख के तुझको दिल ये बोला तुम ही तो दिल में हो, मुझे ना जानता है तू, मैं तो माइंड ब्लोइंग हूं, आओ ना पास में मैं तो सबसे कूल हूं, आजा 1 2 3 कर ले इस डांस फ्लोर पे, अरे डरता है क्यों तू जब साथ में मैं तेरे हूँ, अरे मैं तो बस घूमूंगा और मस्ती भी करूंगा, अरे मैं तो बस घूमूंगा और मस्ती भी करूंगा। मिलो ना कभी तुम भी सुन लो ना बातें तुम भी, मिलती है तुमसे मुझे सारी एनर्जी, दुनिया चाहे जो भी कहती छोड़ो सारी तेजी, मंदी देते रहो तुम हमेशा स्माइल इमोजी, हे तुझसे मिलके ऐसा लगा मेरे लिए आई है तू, साथ तेरा मेरा ये होगा दिल पे मेरे छाई है तू, अरे हो गया मैं तेरा आगाए मिलके सॉन्ग, है प्यार जैसे अपना हो गया डबल स्ट्रॉन्ग, अरे मैं तो बस घूमूंगा और मस्ती भी करूंगा, अरे मैं तो बस घूमूंगा और मस्ती भी करूंगा। मैम आपका ये बिल रहा, पूरा मिला के 9000, बहुत मजा आया 9000। आप किस ऑप्शन से कर रहे हैं? चलो तो फिर हो गया अपना, हाँ पूरा टर्न है। क्या हुआ? मेरा कार्ड डिक्लाइन हो रहा है, अब हमें 9000 और देने हैं। है क्या रे? तुमने कहा था कि तुम पार्टी दोगी और तो और बिल भी सबका पे करोगी, इसलिए हमने थोड़ा सा एंजॉय कर लिया। बाय बाय, लेट्स गो। क्या बात है यार, तूने पहली बार टिप दिया है ना। पिरचू सर। क्या हुआ? एक मिनट, हैप्पी बर्थडे बद्रम। क्या हुआ? मुझे बचपन से कभी भी किसी ने भी गिफ्ट नहीं दिया, ये पहला गिफ्ट है। थैंक यू मैडम, थैंक यू। हे चुप कर, आज इसका बर्थडे है ही नहीं। अगर मैं तुम्हें बेवकूफ बनाकर तुमसे पूरा का पूरा बिल पे करवा रहा हूँ तो मुझे लगा मेरा पीछा नहीं करोगी, लेकिन जैसे कोई बबल गम चप्पल से चिपक गया हो वैसे तुम चिपक जाती हो। प्लीज मेरा पीछा करना बंद कर दो, मैं उतना अच्छा नहीं हूं जितना तुम मेरे बारे में सोच रही हो। बिरजू सर, आप सच में बहुत अच्छे इंसान हैं। क्या कहा? नहीं तो आप मुझे सच कभी नहीं बताते, राइट? ए, गेट लॉस्ट, जाओ, चलो रे।
अरे मेरे लाल, ये लो फिल्टर कॉफी, चलो। सनी सनी मेरी प्यारी सनी। इसे कुत्ते की तरह झुके हुए नहीं देख सकता, कुछ करना पड़ेगा। कृष्णमूर्ति घूम जाओ। ये क्या अंकल, मैं सनी लियोन का सपना देख रहा था, आपकी वजह से सपना टूट गया। सनी लियोन? साइकिल खरीदने के लिए तुम्हारे पास पैसे नहीं है और चाहिए तुम्हें सनी लियोन है? बेटा तुम्हारे लिए स्ट्रॉन्ग फिल्टर कॉफी लाया हूँ। बेटा तुम्हें देखकर ऐसा क्यों लग रहा है कि सारी दुनिया की शराब तुमने पी रखी है? हैंगओवर है? सारी रात तुम लोग कहाँ पर थे? हम एक पब में गए थे डैड। पब गए थे? तुम्हारे जैसे गंदे चेहरों को पब में जाने किसने दिया? टेंशन क्यों ले रहे अंकल? ए, रात को एंजॉय करते हो, कॉफी मैं पिला रहा हूँ। आपको इस उम्र में पब जाने की क्या जरूरत है अंकल? मेरी एज की बात कर रहे हो, अभी ताकत दिखाऊं तुमको? आपकी ताकत के किस्से मैंने बहुत सुने हैं। मैंने तो मना किया था। कॉफी बिरजू सर। अरे यहाँ हो, लो कॉफी। लगता है रात को जो डांटा वो कम था, अभी और सुनने के लिए आ गई है। ए, तुम्हें कॉफी पसंद नहीं आई? सॉरी तुम्हें देखा नहीं, कॉफी मुझे पसंद नहीं है ना इसलिए। कोई बात नहीं। ए, ए, तुम्हें मेरी कॉफी पसंद नहीं आई? रोज मेरी कॉफी के लिए मरते हो, आज अचानक खराब लगने लगी? मुझे दुख हुआ। I'm hurt. मुझे बहुत ज्यादा दुख हुआ है। मुझे परवाह नहीं है कि किसे दुख पहुंचा है, बस मुझे पसंद नहीं आई। गुड इवनिंग सर। वो कहां रहता है? सर सीतामाधारा। करता क्या है वो? ऐसी जगह पर है मीनाक्षी। ए सुनो, जरा उसे बुलाओ तो। किसे बुलाओ? वो जो गा रहा है राजू, उसे बुलाओ। ये पी कार्स है भाई, बहुत बिजी हैं, उनसे मिलने के लिए वेट करना होगा। ए, सर यहाँ से चले क्या? कहाँ चले हो? मैंने उसे ठीक से देखा नहीं है, एक बार नजदीक से देख लेते हैं फिर चलते हैं। ठीक है सर। हाँ बोलिए, आप मेरा काफी देर से इंतजार कर रहे हैं। बोलिए ना सर। हेलो, बिना बोले आप ऐसे ही क्यों जा रहे हो? मीनाक्षी, अगर एक बार भी मीनाक्षी से मिले ना, हेलो, रुकिए, कौन है आप लोग, कहाँ जा रहे हैं? मीनाक्षी जी से मिलने के लिए आया हूँ। अरे फिर तो मदुरई जाइए, यहाँ ऑफिस में क्या काम है आपको? सर आप कौन है सर? मीनाक्षी का लवर है। ए सर प्लीज सर जाइए जाइए सर। एक्सक्यूज मी सर, व्हाट कैन आई डू फॉर यू? एक्सक्यूज मी, ये मीनाक्षी का लवर है। आप राजू हैं? ऐसा बोलेंगे तभी एंट्री मिलेगी। ओके प्लीज कम सर। सर आप कुछ लेंगे? हाँ तीन कॉफी। hey, जी कुछ नहीं चाहिए। ओके सर। कौन है ये? मीनाक्षी का लवर। कांग्रेट्स। गुड लक सर। ऑल द बेस्ट सर। ऑल द बेस्ट? अरे ये हो क्या रहा है यार? राजू सर यू आर अ लकी गाय। यार कुछ समझ में नहीं आ रहा है, जो भी आ रहा है तुझे मुबारकबाद देकर जा रहा है। लगता है जल्दी वो लड़की तुमसे शादी करने वाली है। hey, ये सारी ओवर एक्टिंग देखकर मैं पहले ही पागल हो रहा हूँ, इसलिए मेरा और टेस्ट मत लो यार। हेलो बिरजू। I am Y.V. Rao, M.D. How are you? मैंने सुना है तुम एक अच्छे सिंगर हो। आप मेरे बारे में कैसे जानते हैं? ताजमहल और मीनाक्षी के लवर को इंट्रोडक्शन देने की जरूरत नहीं पड़ती। देखिए मैं मीनाक्षी का लवर नहीं हूँ। सही कहा, शादी होगी तो हस्बैंड बनोगे ना। आप ये कैसे डिसाइड कर सकते हैं? मुझे ये बताओ शादी की प्लानिंग कहाँ कर रहे हो? मुझे कैसे पता होगा, उसी से पूछ लीजिए ना। ओह वो भी उसकी मर्जी से हो रहा है। अब मैं समझ गया कि मीनाक्षी तुम्हें पसंद क्यों करती है। लेकिन मैं अभी भी नहीं समझा सर। बिरजू सर।
Wish you all the best. बिरजू सर, आप मुझे ढूंढते हुए ऑफिस तक आ गए, मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा। मुझे तुमसे बात करनी है, चलो आओ। हाँ, ठीक है, चलिए। तुमने सब जगह बता दिया क्या? बिरजू सर, मुझे सर मत कहो नहीं तो मार दूंगा तुमको। तुम्हें मैंने नौकरी पर रखा है क्या? सर गया भाड़ में। सुनो, सब कुछ भूल जाओ। वो आदमी जिसने मुझे कल वार्निंग दी थी, वो कौन था? मीनाक्षी। यही तो है वो। ये कल रात को आप क्या बड़बड़ा रहे थे, बताओ इसको। माइंड योर लैंग्वेज। माइंड ठिकाने पर रहेगा तभी लैंग्वेज बनेगी ना, पागल हो गया हूँ मैं। अशोक प्लीज, हमें अकेला छोड़ दो, चले जाओ यहाँ से। किस लिए? हाँ रहने दो। ये सब आज ही खत्म करना है मुझे। देखो, मुझे पता नहीं कि ये लड़की कौन है और तुम कौन हो ये भी पता नहीं है मुझे। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि तुम इसे प्रोटेक्ट करने में इतना एक्साइटेड क्यों हो। अभी बताता हूँ तुझे। आई लव यू मीनाक्षी। आई लव यू बिरजू सर। एक थप्पड़ मारूंगा, चेहरे का नक्शा बदल जाएगा। प्यार करती है मुझसे मीनाक्षी। वो तुम्हारे लिए ठीक नहीं है, देखो। मुझे इस बात से फर्क नहीं पड़ता। आई लव यू बिरजू सर। अगर फिर से बोलेगी ना तो मार दूंगा तुझे। इसके बात करने का तरीका देखो, देखो अच्छे से देखो। आप चाहे तो मुझे मार सकते हैं लेकिन मेरे प्यार को नहीं बिरजू सर। उसके लिए तुम्हारे प्यार की कोई वैल्यू ही नहीं है। मुझे बस इनका रिस्पॉन्स चाहिए, बाकी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो तुम्हारा मजाक बना रहा है मीनाक्षी। इसका कोई मजाक नहीं बनाया, इसे लिमिट में रहने के लिए कह रहा हूँ बस। ये कह रहा है ये तुमसे प्यार करता है और तुम कह रही हो कि तुम मुझसे प्यार करती हो, क्या बेवकूफी है। इनकी बातों पर ध्यान मत दीजिए बिरजू सर। अब मुझे क्यों पसंद नहीं करते हैं? ये सब प्यार व्यार का चक्कर, मुझे पसंद नहीं है समझे। अगर प्यार करेंगे तो पसंद भी आने लगूंगी। भाई लगता है ये पागल हो गई है। ये वही बोलती है जो इसका मन करता है, इसे हमारी बात नहीं सुननी। जब तक आप मुझे आई लव यू नहीं कहेंगे मैं कुछ भी नहीं सुन। एक कान के नीचे लगाऊंगा ना, जिंदगी भर कुछ सुनाई नहीं देगा। एक बात दिमाग में बिठा ले, मैं तुझसे प्यार व्यार नहीं करता, इसकी वजह से हमें आपस में नहीं लड़ना है। तुम इसके लिए एकदम परफेक्ट हो और ये बात इसको अच्छे से समझा देना। चलता हूँ मैं, फिर मिलेंगे। बिरजू सर। राजू सर। अब अगर एक बार और कहा ना राजू सर तो जान से मार दूंगा तुम्हें। मुझसे दूर ही रहो तो अच्छा है। इसको संभालो यार, अगर मेरा दिमाग खराब हुआ ना तो बहुत बड़ा बवाल खड़ा हो जाएगा। समझाओ इसे। मुझे तो इसमें से कीचड़ की स्मेल आती है, भूल जाओ इसे। मुझे कोई और कीचड़ बता दो इस तरह का अशोक, जिसमें कमल खिल सके। पर तुम ये सब नहीं समझोगे। कहीं दिख ही नहीं रहे, कहाँ चले गए? बिरजू सर। ए, क्या देख रहे हो? मेरा नाम बिरजू है, लेकिन वो मुझे सर क्यों बुला रही है? इसका मतलब आपको बुला रही है। चलो चुपचाप पानी पूरी खिलाओ। ठीक है। बिरजू सर, लवर्स के बीच से प्रॉब्लम आती रहती है और इस प्रॉब्लम को हम दोनों को मिलकर सॉल्व करना होगा ना। आप उसे कंप्लेन क्यों कर रहे हैं? हर जगह मेरा पीछा करना ये प्यार नहीं टॉर्चर होता है। देखो तुम कितने भी कोशिश कर लो लेकिन मेरे दिल में तुम्हारे लिए कोई फीलिंग्स नहीं। बिरजू सर, बारिश होने का भी एक वक्त होता है, हम जब चाहेंगे तब बारिश नहीं हो सकती। वैसे ही प्यार करने का भी एक वक्त होता है और वो वक्त कभी नहीं आने वाला। वो वक्त जरूर आएगा और तब तक मैं आपको फॉलो करती रहूंगी। अच्छा वो सब छोड़िए, ये बताइए पानी पूरी कैसी है? लड़की साथ में तो शान पट्टी दिखा रहा है, मेरे को जानता नहीं है क्या? गजुआ का बिरजू, बिरजू रे। उसका नाम भी बिरजू ही है सर। अंधा हो गया क्या रे? सॉरी भाई, थोड़ी सी गलती हो गई। दरअसल बात ये है कि मैं पानी पूरी खा रहा था। ये कैसे गिर गया? मैंने देखा। हाँ? मैंने उसे देखा। क्या देखा तूने? मैंने उसे देखा। बिरजू सर, आपके हाथों से तो खून बह रहा है। हे भगवान, बहुत दर्द हो रहा है बिरजू सर। उसका चेहरा तो देखो।
बस कीजिए डैड, बहुत हो गया। अगर उसे कुछ हो जाता तो भूल जाओ उसके साथ जो हुआ। अगर तुझे कुछ हो जाए तो वो बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। उसने उसे मार डाला होगा। हाँ ये सच है अंकल, मैं अभी भी उस सीन को आंखों में देख रहा हूँ। वो इस तरह से कैसे मार सकती है? जाओ उसे ही पूछ कर आओ। मेरे में तो इतनी हिम्मत नहीं है। अरे गुस्सा बंद करो और जरा दिल से सोचो। वो एक छोटे से कट के लिए चीते की तरह उस पर कूद पड़ी। वो तुम्हारे लिए पागल है। वो तुम्हें कभी नहीं छोड़ने वाली, समझे? कभी नहीं का मतलब कभी नहीं। क्या टाइम आ गया है बस। वो मुझे कभी नहीं छोड़ेगी। मुझे पता है कि उससे पीछा कैसे छुड़वाना है। बिरजू सर, बिरजू सर, आपने मुझे यहाँ मिलने के लिए बुलाया। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। थैंक यू। पसंद करती हो? पसंद? मेरे पास मेरी फीलिंग्स एक्सप्रेस करने के लिए शब्द नहीं है राजू सर। आज मेरी खुशी की कोई सीमा ही नहीं है। मैं दुनिया की सबसे खुशकिस्मत इंसान हूँ। तुम मेरे लिए कुछ भी कर सकती हो? ये क्या कह रहे हैं आप? अगर मुझे मरने के लिए भी कहेंगे ना, तो मैं उसके लिए भी रेडी हूँ। मरने के बाद क्यों सोचती हो? एक पल के लिए चलो साथ में जीने के बारे में सोचते हैं। तुम और मैं, वन नाइट। एक्सक्यूज मी? ए, तुम जानती हो ना मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। तुम्हें मेरे साथ एक रात बितानी है। क्या हुआ? ओके ना? ओए, चलेगा ना तुम्हें? सुनो मीनाक्षी, अरे तुमसे बात कर रहा हूं। कहां जा रही हो? तुम तो मुझसे प्यार करती हो ना। ओए, कह रही थी मेरे लिए जान भी दे सकती हो। वैसे भी मरने से तो ये अच्छा है, सोच समझ कर बताना मुझे। बढ़िया ही प्यार करने वाली। एक रात बितानी पड़ेगी। अब वो कभी मेरी तरफ पलट कर भी नहीं देखेगी। ए मार दो। इधर पास कर। बिरजू सर। सही जा रहा है। मैं तैयार हूँ। अरे ये तो आ गई। ये तो बोला था कि नहीं आएगी। मैं तैयार हूँ, ऐसा क्यों बोला उसने? वो हमारे साथ खेलने के लिए तैयार हो? आपने कल मुझसे पूछा था ना। मैं तैयार हूँ बिरजू सर। तुमने ठीक से सोच तो लिया है ना?
लगता है उनके बीच कुछ चल रहा है। लपक छपक से है क्या? जफक लपक। अगर आप मुझे जगह और टाइम बता दें तो। आज शाम को मिलो मुझसे। तुमको मुझे ये पहले बताना चाहिए था कि तुम यही सब चाहती हो। इसे लव की टैगलाइन देने की क्या जरूरत थी? हाँ, जब मैंने तुमसे एक रात मेरे साथ बिताने को कहा तो अगर तुम मुझे थप्पड़ मारती तो एटलीस्ट मेरे मन में तुम्हारे लिए कुछ इज्जत होती। वैसे गलती तुम्हारी नहीं है, गलती तुम्हें पैदा करने वाले मां बाप की है। अगर उन्होंने तुम्हें सही परवरिश दी होती ना तो आज तुम मेरे सामने इस तरह नहीं बैठती। पहले की लड़कियां लड़कों को मूवी देखने के लिए या शॉपिंग के लिए या डिनर पर ले जाने कहती थी और अंत में उसे एक ही दिन में छोड़ देती थी, लेकिन अब तो ट्रेंड ही बदल गया है, सब कुछ उल्टा हो गया। तुम खुद ही हमें पब में लेकर गई, तुमने मेरे लिए पैसे खर्च किए, तुमने हमें गिफ्ट भी खरीद कर दिया। तुम ये सब किस लिए कर रही थी? बस इस दिन के लिए? हाँ, लड़कों को अच्छे कैरेक्टर वाली लड़कियां पसंद आती हैं, वो लड़कियां नहीं जो रात किसी के साथ बिताती हैं। तुम जैसी लड़कियों को बुलाया जाता है, एक पॉश शब्द है जो वो पब में बोला जाता है, वो क्या है? क्या है वो? अगर फिर कभी तुमने अपना चेहरा मुझे दिखाया ना तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। बहुत बढ़िया किया तुमने, सब मर्दों को प्राउड फील करवाया, उससे पीछा छूट ही गया। लेकिन मुझे इस बात का बुरा लगा कि इसे खुद को मर्द साबित करने के लिए ये सब करना पड़ रहा है। ये समझ नहीं आ रहा है, वो उसको डांट रहा है या तारीफ कर रहा है? मुझे भी ऐसा ही लग रहा है यार। एक बात बताओ, उसने तुम्हें फोन किया या तुमने उसे? मैंने उसे आने को कहा और फिर उसने ऐसा किया। ओ, तुम्हारा उसे बुलाना गलत नहीं लेकिन तुम्हारी बात मानना वो गलत है। अरे मूर्ति सर, आप बहुत ज्यादा सोच रहे हो, अब सारी बातें खत्म हो चुकी है, वो अपने रास्ते और मैं। ये सब क्या है माँ? अरे वो अपनी दुनिया में गहरी नींद सो रहा है, तुमने उसे क्यों जगाया? हैं? बस कीजिए पापा, क्या गलत किया मैंने? मैंने उसे कहा कि मेरा पीछा मत करो लेकिन उसने सुना नहीं, इसलिए। चुप कर, कौन है रे तू? हाँ, दिन भर गंदी सी कमीज पहन के लंबी दाढ़ी बढ़ाकर घूमता रहता है तू, फिर भी वो तुझसे प्यार करती है। आंटी ये प्यार नहीं बस उसका अट्रैक्शन है। तेरी तो, अगर पीछे बोला तो मार डालूंगी, इनके साथ दिन भर घूमता है ना इसीलिए बिगड़ गया है। उन्होंने क्या किया? हाँ, इन लोगों ने हमेशा तेरी गलत हरकतों पे तालियां बजाई जबकि इन्हें थप्पड़ मारना चाहिए था। और सुन, अगर इसकी जगह तेरी बहन होती तब भी तू यही करता क्या? हाँ,
लड़का लड़की के पीछे घूमे तो वो प्यार है, और लड़की लड़के का पीछा करे तो लस्ट है। लड़की अगर मना करे तो तेजाब से अटैक करो, और लड़का अगर ना कहे तो लड़की का पूरा कैरेक्टर खराब बता दो। आखिर कब बदलोगे तुम बेचारी लड़की? छी, एकदम पागल हो। अपनी लाइफ में पहली बार तुझे पैदा करने पे शर्म आ रही है, तू है तुझ पर। छी। हमारी शादी के बाद उसे मेरे करीब आने में एक महीना लगा। तुम्हारी माँ एक महीने तक अपने पति को छूने से झिझकती रही, लेकिन वो तुम्हारे पास आई क्योंकि तुमने ऐसा करने के लिए कहा था। उसके दिल में तुम्हारे लिए क्या है ये समझो जरा। देखो, अगर वो वही है जो तुम उसके बारे में सोचते हो तो वो मुझसे मिलने क्यों आएगी और कहेगी कि वो तुमसे प्यार करती है? समझने की कोशिश करो। हमने उसे हर जगह ढूंढा पर वो नहीं मिली। फोन लगा उसको। स्विच ऑफ जा रहा है। दोबारा फोन करना। स्विच ऑफ ही है यार। ठीक है चल। तुम यहाँ क्यों आए हो? तुम पहले बहुत कुछ कर चुके हो, उस लड़के को दुख पहुंचाने के बाद तुम खुश कैसे रह सकते हो? सर एक बार मीनाक्षी को बुलाइए, मुझे उससे बात करनी है। मीनाक्षी यहाँ नहीं है, तुम्हारी वजह से हमें बिना बताए रिजाइन देके चली गई है। सिक्योरिटी सर, सर प्लीज सर एक बार उसे कॉल कीजिए, मैं उसे बात करना चाहता हूं। बस एक बार बात करके चलिए। अरे बोलिए ना, गेट आउट उसे। बाहर चलिए। चलिए सर प्लीज एक बार बात करिए। छोड़ो उसे सर, छोड़ो, चलिए उसे बुलाइए सर। मैडम इस नंबर का आप मुझे एड्रेस दे सकती हैं? अगर आप सीबीआई ऑफिसर हैं तो हम तुरंत आपको एड्रेस दे सकते हैं। मैडम ये मेरा लाइसेंस, मेरा आधार कार्ड, प्लीज मैडम मेरी हेल्प कीजिए। ये लव का मैटर है मैडम, प्लीज आप इसकी हेल्प कीजिए ना। प्लीज मैडम। प्यार में पड़ना, फिर इमोशनली पीछा करना, ये सब मामूली बात है, होता ही रहता है। तुम मुझे बेवकूफ बना रहे हो? क्या हुआ मैडम? उसका एड्रेस और ये एड्रेस एक ही है ना? क्या क्या कहा? ड्रामा करना बंद करो। प्लीज फिर से एक बार चेक कीजिए ना मैडम। ये लो तुम खुद ही देख लो। ये कैसे तुम्हारे एड्रेस पर मीनाक्षी का नंबर कैसे हो सकता है? हाँ बोलिए डैड। हाँ बेटा। क्या हुआ डैड? मैं तुम्हें बताता हूँ, पहले घर आओ। ए चलो रे। बोलिए डैड क्या हुआ? मीनाक्षी के लिए ये डॉक्यूमेंट्स रजिस्टर पोस्ट से हमारे घर आए हैं, ये देखो। डॉक्यूमेंट्स? ये देखो, आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक स्टेटमेंट, उसके सभी पेपर्स पर हमारा एड्रेस है। इतना ही नहीं, इसके हस्बैंड सेक्शन पर तुम्हारा नाम लिखा है। कौन है ये लड़की? क्या हुआ? तुम लोगों को मीनाक्षी मिली क्या? नहीं मिली अंकल। जाओ जाकर खोजो उसे, जल्दी जाओ। जाओ जाओ। अब ये मीनाक्षी मुझे जिंदगी में कभी नहीं मिलेगी। सर बात को समझिए, वो एक बदमाश है। मीनाक्षी के लिए मैं सही हूं, एकदम परफेक्ट मैच है। सर हेलो हेलो। ए, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? निकलो निकलो यहाँ से। मीनाक्षी कहाँ है? तुम्हारा तो ब्रेकअप हो गया ना, फिर उससे क्यों मिलना चाहते हो? हाँ प्यार में पड़े बिना हमारा ब्रेकअप कैसे हो सकता है? मैं उसे सॉरी बोलना चाहता हूँ। सॉरी बोल देगा तो मान जाएगी क्या? अबे ए पागल, तुझे समझ में नहीं आ रहा है?
पागल तू है, मैं नहीं, समझा? तेरी प्रॉब्लम क्या है हा? तुझे क्या लगता है मैं उसे तेरे से दूर ले जाऊंगा? मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा, बस उसे सॉरी कहूंगा और यहाँ से चला जाऊंगा, तेरी कसम। मुझे विश्वास नहीं है। अबे तेरी तो बात समझ नहीं रहा है तू। अबे एक कंप्यूटर, लगता है तेरी हार्ड डिस्क फ्राई हो गई है, ठीक से चेक कर और जो मैं कह रहा हूँ उसे समझ। मैं मीनाक्षी के प्यार में नहीं हूँ, तू उसके लिए करेक्ट मैच है, मैं नहीं हूँ। अरे बताना वो मीनाक्षी कहाँ मिलेगी? बताता हूँ, सिर्फ सॉरी बोल के निकल जाना, एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं, नहीं तो मेरे अंदर का साइको बाहर आ जाएगा। ओवर एक्ट मत कर, चल एड्रेस बता। यहाँ से 150 किलोमीटर दूर श्रीरंगपुरम नाम का गांव है, वहां जाके सत्यमूर्ति से मिलना। मीनाक्षी कहाँ है तुम्हें पता चल जाएगा। सर यहाँ सत्यमूर्ति सर का घर कहाँ है? यही तो है सत्यमूर्ति जी। हाँ यही है। सुनिए सर, मैं आपसे मिलने आया हूँ, रुक जाइए सर। सत्यमूर्ति सर, सर रुकिए ना। अरे सुनिए सुनिए तो सर, प्लीज रुक जाइए, सुनिए ना सर। तुम यहाँ क्यों आए हो? चले जाओ, नहीं तो मैं तुम्हारी टांगे तोड़ दूंगा। आप हैं कौन सर? मैंने आज तक आपको देखा भी नहीं है और आप मेरे बारे में जानते ही क्या हो सर? जब कोई लड़की कहती हो तुमसे प्यार करती है और उसके इस प्यार का फायदा उठा के तुम कहते हो कि मेरे साथ हम बिस्तर हो जाओ, तो ये बताओ तुम्हारी नीयत को क्या समझा जाएगा? मीनाक्षी कहाँ है सर? अब क्यों जानना चाहते हो? पहले तो तुमने उसकी इज्जत उतार ली, अब उसकी जान लेना चाहते हो? ए, तुम कभी खुश नहीं रहोगे, तुम्हारा जीवन बर्बाद हो जाएगा, सर्वनाश हो जाएगा तुम्हारा। मुझे डांटिए, चाहो तो मुझे मारिए, नहीं तो जान से मार दीजिए, लेकिन मुझे एक बार बता दीजिए सर कि आखिर ये मीनाक्षी है कौन? मीनाक्षी है कौन? एक ऐसी लड़की जिसने अपने प्यार को इसलिए छोड़ा क्योंकि उसने एक वादा किया था और ऐसे प्यार को ठुकरा दिया तुमने। उसने क्या वादा किया, किससे वादा किया था और किसी और को दिए गए वादे की वजह से मुझसे प्यार करना सही है क्या? बताइए ना सर, कौन है वो आदमी? तुमने देखा लक्ष्मी, बिल्कुल तुम्हारी तरह दिखती है। वो देख रही होगी जीजा जी, मेरी बहन की नजरें पूरी तरह से आपके ऊपर टिकी हुई हैं। आपको क्या लगता है? आओ आओ आ जाओ, तुम्हारे मामा आए। मैं तो यहाँ रोज ही आता हूँ, पर फायदा क्या, मेरी बात को कोई सुनता है क्या यहाँ पर? तो फिर थोड़ा अच्छी तरह से कहो। जीजा जी, और कितने दिन अकेले रहेंगे आप? तुम्हारे रहते अकेला कैसे हो सकता हूँ? तो फिर से शादी कर लीजिए ना। लेकिन किस लिए? किस लिए का क्या मतलब है जीजा जी? जिससे भी आप शादी करेंगे वो इसकी तो माँ बनेगी और आपकी बीवी बनेगी। पर वो मेरी लक्ष्मी तो नहीं होगी, बात कर रहा है। अब मैं आपको कैसे समझाऊं? तुम मुझे समझा भी नहीं सकते क्योंकि तुम्हारे पास कोई ठोस रीजन है ही नहीं। भले ही तुम्हारी बहन मुझे बीच मझधार में छोड़ गई, पर उसने मुझे जो प्यार दिया है वो मेरे जीवन भर के लिए काफी है। अब मेरी बेटी ही मेरी दुनिया है। अरे बेटी जरा ध्यान से। डैडी हिलना नहीं। नेक्स्ट। कितना अच्छा लग रहा है, जलन नहीं हो रही है बेटा? आप अपनी बेटी को अच्छे से जानते हैं ना, टिप टिप सीजिए मुझे। ओ, तो मुझे एक नाई को टिप देनी पड़ेगी है ना? थैंक यू बेटा, तुमने बहुत अच्छा शेव किया, ये रही तुम्हारी टिप। डैड आईफोन, थैंक यू डैड, थैंक यू सो मच। जीजा जी, वाह क्या सीन चल रहा है, कितना शानदार सीन चल रहा है। आओ आओ आओ। जीजा जी, सिर्फ दाढ़ी बनाने के लिए तोहफे के तौर पे 1,00,000 रुपए का फोन दे दे, ऐसे धरती पर सिर्फ आप ही हो सकते हो, ऐसा शख्स तो मैंने पहली बार देखा है। डैड, अंकल को तो जलन हो रही है मुझसे। अरे अरे
थैंक यू सो मच डैडी। मैंने फोन ऑन कर दिया है, सबसे पहला कॉल आपको ही करूंगी। एक मिनट, अब करो मुझे। कॉल रिसीव करता। हेलो। हेलो। हाँ डैडी। सुन पा रही हूँ बेटा? हाँ। अरे क्यों नहीं सुन पाएगी, 1,00,000 रुपए का फोन जो गिफ्ट किया है। अंकल रोइए मत, दूसरा कॉल आपको करती हूँ, नंबर बताइए। क्या कहा तुमने? मेरा नंबर नहीं तुम्हारे पास? जीजा जी कुआ कहाँ है? अरे उसको इसमें जान देने की क्या जरूरत है, वो अभी बच्ची है। आओ मैं तुम्हें कॉफी पिलाता हूँ। काम नहीं चलेगा, अपने मामा का मजाक उड़ाती हूँ, जाओ कॉफी लेकर आओ, मैं ऑफिस के लिए निकल रहा हूँ। ठीक है ठीक है। टैनी हाँ, आज आपकी स्कूटी मैं स्टार्ट करूंगी। अरे बेटा ये तो मेरी सुनती नहीं, दूसरे की क्या सुनेगी। हाँ देखती हूँ कैसे नहीं सुनती मेरी। पकड़िए इसे, पकड़िए। बेटा सुनो, तुम्हारा पालन पोषण बहुत नाजुकता से किया है, तुमसे नहीं होगा, छोड़ो हटो। इसे तुम भी स्टार्ट नहीं कर सकते। क्या कहा? देखना कैसे एक ही किक में स्टार्ट करता हूँ इसे, अभी देखिए आप। कर लो कोशिश, बस एक किक। करो जी, अगर इसे मैं स्टार्ट नहीं कर पाया ना तो कोई भी स्टार्ट नहीं कर पाएगा। आपने सर्विस करवाई क्या इसकी? जरूरत ही नहीं, बूढ़े तुम हो गए हो। चलो हटो। बेटा कृष्णा हमें ऑफिस के लिए देर हो रही है, चलो स्टार्ट हो जाओ। ऐसे स्टार्ट करते हैं हम। ये क्या, ये तो चीटिंग है, आपने कोई जादू कर रखा है क्या? बिल्कुल है ना, कृष्णा का जादू है। जैसे कुरुक्षेत्र में अर्जुन ने सिर्फ कृष्ण की सुनी थी, वैसे ही ये मेरी सुनती है। हम चले ऑफिस। मीनाक्षी प्लीज। ए ये तो क्या कह रही है, प्यार तू करती है और SMS मैं भेजूंगी, तो पागल है। ये मेरा दूसरा लवर है, पहले लवर को खुद ही मैसेज किया था। अगर मान लो रिसाइकल बिन में जाएगा तो कम से कम दूसरा तो सी ड्राइव में रहना चाहिए ना, नहीं तो सिस्टम मेरी बात नहीं सुनेगा। चुप कर तू और तेरी कंप्यूटर लैंग्वेज। और वैसे मुझे क्या मैसेज देना चाहिए, मैंने कभी किसी से प्यार नहीं किया है। ऐसा मत कहो मीनाक्षी, प्यार का इजहार करने के लिए लैंग्वेज की पकड़ होनी बहुत जरूरी है, जो कि तेरे पास बहुत ज्यादा है। प्लीज 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 मेरी हेल्प कर दे, प्लीज प्लीज। ठीक है ठीक है, लेकिन ये पहली और आखिरी बार है, इसके बाद ऐसा कुछ नहीं करूंगी मैं। थैंक यू मेरी गोल्डन डॉल, थैंक यू सो मच, बाय। ओके बाय। ए मैं तेरे SMS का वेट करूंगी। हाँ तो जो भी भेजेगी मैं फॉरवर्ड कर दूंगी। ठीक है, क्या मैसेज लिखना चाहिए? मुझे तो ये भी नहीं पता कि वो कैसा दिखता है, कैसा दिखता होगा, क्या भेजू मैं। चलो 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 चलो, अरे वो आ रहा है बिरजू, ये ले। Hey, चल पैसे निकाल, कोई नाटक नहीं, निकाल। चल निकालना। चल अब देना। अगर हमें से कोई एक भी बच जाता तो हम जीत जाते। तू गेम तो हार गया ना। माफ करना भाई, तुम्हारे साथ कभी नहीं खेलूंगा। ये लो। चल भाई, अब इन बचे हुए अंडों का क्या करना है, चलो आमलेट बनाते और खाते मजे से। ये इतनी टेंशन में क्या लिख रही हो? लव लेटर लिख रही हूँ अंकल। बाप रे, तुम्हारे डैड ने 1,00,000 रुपए का फोन देके तुम्हें बिगाड़ दिया? नहीं अंकल, अपनी बेस्ट फ्रेंड के लवर को लिख रही हूँ मैं। अगर मुझे किसी से प्यार होता तो मैं लव लेटर लिखती ना, पर मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि क्या लिखूं। सुनो बेटा, तुम नौजवानों ने प्यार को ऐसी फीलिंग में बदल दिया कि सिर्फ नौजवान ही महसूस करें। क्यों, एक माँ अपने बेटे को प्यार करती है वो प्यार नहीं है? एक बाप अपनी बेटी को प्यार करता है क्या वो प्यार नहीं है? प्यार एक यूनिवर्सल फीलिंग है बेटा। सुनो, अपने पिता से प्यार करती उस बारे में लिख सकती हूँ क्या? डैडी से कितना करती हूँ, अगर इसके बारे में लिखना हो तो कागज के बंडल भर सकती हूँ। इतनी भी जरूरत नहीं है, बस छोटा और अच्छा लिखो।
तो लिखो फिर। लिख लिया क्या? हा? क्या लिखा बताओ? हाँ लिख लिया अंकल। अब इसमें से हा? पिता शब्द को हटा के वहां पर लवर से रिप्लेस कर दो, बस इतना ही करना है। फिर इसे कौन पढ़ेगा, कैसे पढ़ेगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। जो पढ़ेगा वो तुम्हारे प्यार में पागल हो जाएगा। ओके थैंक यू अंकल। हेलो हेलो। आई लव यू। क्या प्यारे हम सफर, अगर मेरी जिंदगी एक किताब है तो इसका हर शब्द तुम्हारा है। अगर मैं समुंदर हूं तो मेरे अंदर की हलचल तुम हो। मुझे नहीं पता कैसे, लेकिन जब मैं तुम्हें देखता हूं तो मेरी खुशियों की कोई सीमा नहीं होती। अगर इसी को प्यार कहते हैं तो हाँ, मैं सच में तुम्हारे प्यार में हूं। ओए, एक आखिरी बात और कहनी है। ये कोई लव लेटर नहीं है, मेरी तकदीर है। इस एक लेटर से मैं समझ गया कि तुम मुझसे कितना प्यार करती हो। तुमने मुझे कब देखा और मेरे लिए इतनी फीलिंग्स कहां से आई? मुझे नहीं पता कि तुमने मुझमें क्या देखा जो तुम मुझसे प्यार करती हो, लेकिन मुझे वो बातें याद आ गई हैं जो मेरी माँ ने मुझे प्यार के बारे में बताई थी। हेलो हेलो, सॉरी सर, मैंने आपको वो एसएमएस नहीं भेजा था। फोन नंबर का लास्ट डिजिट गलत टाइप हो गया और वो मैसेज आपको चला गया। एक्चुअली मैं वो एसएमएस अपनी फ्रेंड को भेज रही थी। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। हेलो। ओहो, ऐसा क्या? ठीक है, ये मेरा बैड लक है। बैड लक? क्या हुआ यार? वो एसएमएस वो मुझे नहीं भेजना चाह रही थी। तो फिर? उसे लगा कि उसने किसी फ्रेंड को भेजा है। ओ। एक मिनट। हेलो। वो जो कोई भी हो, लेकिन सच में बहुत लकी है। कौन बोल रहा है? अरे वही जिसे आप बहुत प्यार करती हैं। हे भगवान, मैं किसी से प्यार नहीं करती हूँ। मैंने वो अपनी फ्रेंड के लिए लिखा था ताकि वो अपने बॉयफ्रेंड को फॉरवर्ड कर सके। क्या सच में? हाँ सच में। वो मैसेज तुमने फॉरवर्ड किया था? मतलब मैं सच में तुमसे प्यार करता हूँ? क्या? मेरा मतलब है आपका दिल अब खाली है ना, तो मैं उस जगह को भर दूंगा ना। ए, तुम पागल हो क्या? मैंने कहा ना वो गलती से चला गया। मैं अब तुम्हारा कोई बहाना नहीं सुनना चाहता। मैंने तुम्हारे एसएमएस को बहुत जल्दी फील किया है और तभी मैंने तय कर लिया कि मैं तुमसे प्यार करता हूं। स्टुपिड, फोन रखो। बेटी, वो तुम्हें छोड़ेगा नहीं, अब तो बिल्कुल नहीं छोड़ने वाला। बार बार फोन काट रही है। मीनाक्षी, मीनाक्षी, ऑफिस है। तेरा एसएमएस मेरे लिए काम कर गया। तू तो खुश हो गई, लेकिन मैं उसका टॉर्चर नहीं झेल पा रही हूँ। उसने तुझे फोन किया क्या? वो तो कभी रुका ही नहीं। तूने बताया ना कि वो लव एसएमएस उसके लिए नहीं था। वो मेरी बात ही नहीं सुन रहा है। देख, उसी का है। I love you, madam. Idiot, इतनी बार कहने पर भी समझ नहीं आता? मैं तुमसे प्यार नहीं करती, stupid. मैडम 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 मैडम, आप जब मुझे डांटती हैं तो आपकी आवाज कितनी मीठी लगती है। आओ आओ और मुझे खा जाओ। Idiot. मीनाक्षी। हाँ, yes ma'am. बस आई। All the best. अच्छे से देना। Excuse me sir. Come in. I'm sorry sir. Please be seated. थैंक यू। एक मिनट सर। ओके। ए, फोन डिस्कनेक्ट कर रही हूँ, समझ में नहीं आता क्या कि मैं बिजी हूँ?
स्टूपिड। सॉरी सर। सॉरी सर। नो प्रॉब्लम। तुम्हारा इंटरव्यू खत्म हो गया, आप बाहर जाके फोन कर सकती हैं। ऐसा मत कीजिए सर। आपको अपना फोन साइलेंट पर रखना याद नहीं रहता है और आप इंटरव्यू देने के लिए बैठी हुई हैं, ये नौकरी के लिए ठीक नहीं है, तो अब आप जा सकती हैं। सर, प्लीज सर। गेट आउट। उसने मना किया फिर भी तुम उसका पीछा किए जा रहे हो, उसे भूल क्यों नहीं जाते? पहले प्यार को मैं ऐसे ही जाने नहीं दे सकता। जैसे कि तुम कोई हीरो। अरे रे रे रे, ये तो मुझे ही कॉल कर रही है। सुधरेगा नहीं ये। हाँ मैडम, आपने आपने मुझे कॉल किया, बताइए। तुम्हारी वजह से मेरा अच्छा खासा इंटरव्यू हाथ से निकल गया। निकली हुई चीजें वापस नहीं आती और जो चीजें आती हैं वो कभी वापस नहीं जाती। लेक्चर दे रहे हो? तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगी मैं। तो तोड़ दो ना। इसे बिल्कुल शर्म नहीं आती क्या? बिल्कुल आती है, लेकिन तुम्हारे लिए संभाल कर रखी है। अब तो थक गया। कहाँ है तू अभी बता? अरे तुम क्यों तकलीफ उठा रही हो, एड्रेस बताओ मैं ही आ जाऊंगा। ठीक है तो आ जा। लिख लिख मेरा एड्रेस नोट कर। प्लीज बताओ बताओ। अरे ये मुझे अपना एड्रेस दे रही है। तो पागल हो गई है? वो सिर्फ एक SMS की वजह से तुझे इतना परेशान कर रहा है, सोच तुझे लाइव देखा तो क्या होगा। नहीं नहीं, आने की जरूरत नहीं है। ऐसा कैसे कर सकती हो, मैं तो तुम्हें देखना चाहता हूँ और तुमसे मिलने की खुशी में मैं कितना एक्साइटेड हुआ जा रहा हूँ पता है। देखो मिस्टर, तुम मुझे देखने के लिए कितने एक्साइटेड हो है ना, तो अगर इतनी आसानी से देखोगे तो वो फीलिंग मिस कर दोगे ना। हम मिलते क्यों नहीं? मैं नहीं मिलूंगी। अब मैं क्या करूं, जब तक तुमसे मिलूंगा नहीं अपने प्यार को इमेजिन करूंगा। क्या, एक दूसरे को देखे बिना प्यार? क्या कहा तुमने, एक दूसरे को देखे बिना प्यार? वेरी गुड, कितना बढ़िया आइडिया है, मजा आ गया सुन के। ये तो हद ही हो गई, देख दीजिए। ठीक है, अगर तुम देखे बिना मुझसे प्यार कर सकते हो तो करो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। थैंक यू सो मच। तुम्हें मेरा प्यार पूरे शहर में सुनने को मिलेगा, लेकिन तुम उसे देख नहीं पाओगी। वैसे नाम क्या है तुम्हारा? वो किस लिए? सोशल मीडिया पर ढूंढने के लिए। मैडम तुम सच में क्लास पर्सन हो। कैसे? मुझ जैसे जो लड़के होते हैं ना, वो हमेशा तुम जैसी लड़कियों के साथ ही सेट होते हैं। तुम बहुत बात करते हो, बाय। कह रहा था मुझसे देखे बिना प्यार करता रहेगा, पागल है। देखते हैं कब तक करता है प्यार, स्टूपिड। देखे बिना प्यार। ये कैसे हो सकता है? ये कैसे हो सकता है? ये नहीं हो सकता। उसे धीरे धीरे मैं अट्रैक्ट करूंगा और उसे देखने की कोशिश करूंगा, और अगर मैं उसे पसंद करता हूँ तो मैं उससे प्यार करूंगा। भाई वो व्हाट्सएप पे होता है ना, हाँ वो देख के पता लग सकता है। मैंने देखा। तो होशियार है, ट्रू कॉलर पर चेक किया तो वो मेरा नाम नहीं शो करेगा। कैसे? उसके नाम की जगह सिर्फ एक डॉट है। तो फिर तुम उसे कैसे ढूंढोगे? वो नहीं पहुंच पाएगा। हम खुद चलेंगे। वो कैसे? बेटी तुम्हारा फोन। देखिए किसका कॉल है। हेलो, कौन बोल रहे हैं? लगता है किसी आदमी ने फोन उठाया। शायद उसकी फैमिली में से कोई होगा। हम जनगणना विभाग से बात कर रहे हैं, हमें आपकी फैमिली की डिटेल्स चाहिए, इसलिए हमें अपना पता बताएंगे। जनगणना विभाग तो लोगों को हमारे घरों पर भेजता है, तुम फोन पर हमारा एड्रेस क्यों पूछ रहे हो? कहीं ये कॉल उसी टॉर्चर करने वाले का तो नहीं है? आप भी किस जमाने की बात कर रहे हैं सर, आज के जमाने की बात कीजिए ना। ठीक है चलो। ओके मुझे दीजिए, मैं बात करती हूँ ना, आप जाइए। जरा संभल के, ये आदमी पागल लगता है। हेलो भाई, वो लाइन पर है, पता नोट कर। स्पीकर स्पीकर चालू करना। हेलो, हम जनगणना विभाग से बात कर रहे हैं। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, डिटेल्स नोट कर लीजिए। मेरे पिताजी का नाम नारा जगत कल्याण है, एज 102 होगी। मेरा नाम कल्वकुंतला वेंकमन नायडू, उम्र 75 साल। 75? बहुत है या आपको और डिटेल्स चाहिए? अब ऐसा कैसे हो सकता है, हमें आपकी सही उम्र जाननी है। चीची, हमें आपके घर का पता जानना है। ए उम्र वाले, तुम्हारे प्लान में बहुत झोल है,
तुम कौन हो, तुम मुझे फोन क्यों कर रहे हो और ये फोन किसने करवाया है, मुझे सब पता है। और अगर मेरा गेस सही है तो तुम उस टॉर्चर करने वाले के दोस्त हो। अपने दोस्त से कहो कि सुधर जाए। तूने कहा था आइडिया काम करेगा। सॉरी भाई, मेरा प्लान फेल हो गया। वो सच में बहुत ही शार्प लड़की है। मेरे पास एक बड़ी आइडिया है जो उसकी शार्पनेस को कम करेगा और कॉन्ट्रास्ट को बढ़ाएगा। रिमोट के बटन दबाना बंद कर वरना तेरा टीवी बंद हो जाएगा। अब बता आइडिया क्या है। आइडिया ये है कि ए, हम लेट हो रहे हैं, जल्दी आना। आ रही हूं। जल्दी। सॉरी सॉरी, चलो चलते हैं। रुक रुक रुक। हेलो। नमस्ते मैडम, मैं ICICI बैंक से बोल रहा हूँ। मुझे ना ही क्रेडिट कार्ड चाहिए और ना ही लोन चाहिए, बाय। क्या मैं इसका कारण जान सकता हूँ? मुझे उसकी जरूरत नहीं है। हमारी स्कीम का नाम है जरूरतमंद लोन। जरूरत पड़ने पर कोई जरूरत आप तक नहीं पहुँच पाती। हमारी स्कीम उस जरूरत को यूज करने के बारे में है जब हमें इसकी जरूरत नहीं होती है। फोन पर नहीं बता सकता, आमने सामने बैठ कर बात करते हैं ना। काफी इंटरेस्टिंग स्कीम है। और इंटरेस्ट भी 0% है। आपकी स्कीम तो सच में बहुत अच्छी है। एड्रेस नोट कीजिए। क्या कर रही है तू? क्या बोल रही है? हाँ प्लीज बताइए ना। हाँ राइट। ओह थैंक यू मैडम, हम आधे घंटे में वहाँ पहुँच जाएंगे। देखिए अभी मैं थोड़ी सी बिजी हूँ, शाम के बाद आपको फुर्सत में फोन करके आपकी स्कीम के बारे में सुनती हूँ। थैंक यू मैडम। ऐसे मिलता है लड़की का पता। तुम बस देखते जाओ, मैं तुम्हारी लाइफ सेट कर दूंगा। थैंक्स यार। तूने उनके साथ ऐसा क्यों किया? हाँ अगर सच में तेरे दिए हुए एड्रेस पर गए तो क्या करती? मेरे साथ गेम खेल रहा है। अब सब खत्म हो जाएगा। ए, यहाँ ना रोशनी है और ना ही आसपास में कोई घर, किसी भूत बंगले में तो नहीं आ गए ना? ये पता तो बिल्कुल सही है ना? ए, तू यहीं पर रुक, मैं चेक करके आता हूँ। हम है सिकंदर जाएंगे अंदर। मुझे कुछ डाउट हो रहा है यार। ए, हम यहाँ पर तुम्हारे लिए आए हैं ना। हाँ चल, कुछ नहीं होगा, चल चल। अंदर मत जाओ। अरे भाग, अरे निकल यहाँ से। चलो चलो, चलो जल्दी चल दिया। अरे बस हो गया ना, कितना हंसोगी हम पर, हंसना बंद करो ना। तुमने तो हमें सीधे गलत एड्रेस पर ही भेज दिया। मेरे सारे दोस्त बेचारे अभी भी सदमे में हैं। अच्छा सुनो, तुम्हारी ये मुस्कुराहट सुनने के लिए मैं रोजाना बेवकूफ बनने के लिए ऐसे ही तैयार रहूंगा। अरे क्या हुआ, रुक क्यों गई? हाँ सुना, मेरे रुकने का छोड़ो, अब तुम्हें रुकना होगा। अगर तुम ट्रैवल रोक दोगी तो डेस्टिनेशन की वैल्यू क्या रहेगी? उस मंजिल की ओर चलने का कोई मतलब नहीं है जिसे आप देख नहीं सकते। मेरे बहुत से काम पेंडिंग है, चलो फोन रखो। अरे एक मिनट रुको तो। अरे प्लीज, अभी तुम क्या कर रही हो? हाँ मेरे पिछले इंटरव्यू में तुमने फोन कर करके मेरी नैया डुबो दी थी, अब इस इंटरव्यू में मेरी जहाज डुबाने का इरादा है? नहीं नहीं, इस बार नहीं। अच्छा तो तुम एस्ट्रोलॉजी भी जानते हो क्या? अरे नहीं नहीं, कल का दिन बहुत ही शुभ है। माता मीनाक्षी देवी के मंदिर में सुबह सुबह ठीक 8 बजे तुम दिया जलाओ तो तुम्हारी हर इच्छा की पूर्ति हो जाएगी। क्या कहती हो, दिया जलाओगी ना? तुम्हें क्या लगता है, मैं मंदिर चली जाऊंगी? हाँ अरे बेटी। हाँ डैडी। तुम अभी तक जाग रही हो? वो कल के इंटरव्यू की तैयारी कर रही हूँ डैडी। ओह तो कल तुम्हारा इंटरव्यू है। ऑल द बेस्ट। थैंक यू डैडी। गॉड ब्लेस यू। वैसे बेटी कल का दिन बहुत ही शुभ है, मीनाक्षी देवी के मंदिर में तुम्हें एक दिया जलाकर इंटरव्यू पर जाना, तुम्हारी इच्छा पूरी होगी। डैडी ने भी वही बात की, क्या मुझे मंदिर जाना चाहिए? तुमको लगता कि वो आएगी? पक्का आएगी, देखना। अगर नहीं आई तो? मुझे विश्वास है कि वो आएगी। अगर नहीं आई तो? हाँ। ए, कुछ लोग यहाँ भक्ति की वजह से आते हैं तो कुछ लोग अपनी एक्सपेक्टेशन लेकर। और वो सेंटिमेंट,
अगर उसमें सेंटीमेंट्स नहीं हुए तो? अगर ऐसा है तो उसकी डीपी पर उसकी खुद की सेल्फी होती, माँ मीनाक्षी की सेल्फी नहीं होती। हाँ बात तो सही है। हाँ अगर मेरा गेस सही है तो वो ऑलरेडी घर से निकल चुकी है, किसी भी समय यहाँ पर आ जाएगी। पर तुम उसे पहचानोगे कैसे? ऐसा मुझे प्यार मिला जिसको ना कोई जाने, सुन ले मेरी बात मुन्ना, बात ये ना कोई माने। ऐसा मुझे प्यार मिला जिसको ना कोई जाने, सुन ले मेरी बात मुन्ना, बात ये ना कोई माने। मेरी जान तुझे मैं कभी ना छोड़ूंगा, मेरी जान दिल से मैं तो तेरा हो गया, मैं तो बस तुझको चाहूंगा, दिल से है तुझको ही माना, हो जाओ राजी मेरी जान। मेरा ये दिल तो माने ना, हाल ये तू तो जाने ना, दिल में है तू ही मेरी जान। देर हो गई, अभी तक आई नहीं वो। अरे वो आ जाएगी यार। अगर नहीं आए तो क्या करोगे? भक्तों से निवेदन है कि अगर आपके पास सेलफोन है तो कृपया प्रवेश द्वार पर सिक्योरिटी के पास जमा करवा कर ही अंदर जाएं। अरे भाई जरा ये कैसे मिले क्या बताना। मीनाक्षी से मिलने जा रहा हूं मैं। मां मीनाक्षी, हमारा नाम एक ही है, मेरी इच्छा पूरी कर दीजिए, मुझे एक अच्छी सी नौकरी दिला दीजिए मां, प्लीज 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 प्लीज। गया बेटा, देवी जिस तरह दिखती है मुझे पसंद नहीं है। तुम्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए, देवी माँ नाराज हो जाएंगी। मैं उन्हें देखकर डर गया माँ, काली बड़ी बड़ी आँखें, क्या है ये सब। तुम उन्हें अपनी आँखों से नहीं अपने दिल से देखो, उन्हें महसूस करो वो तुम्हारे साथ हैं। और काली तो मैं भी हूँ ना बेटा, तो क्या तुम मुझे पसंद नहीं करते। माँ मैं आपको बहुत
चाहता हूँ। आई लव यू माँ, आई लव यू। अब तुम्हें ये मिल जाएंगी क्योंकि अब तुम उन्हें अपने दिल से पसंद करते हो, अपनी आंखों से नहीं। आई लव यू राइट, यही कहना है? सॉरी मीनाक्षी, मैं अभी यही मंदिर में हूँ। लेकिन मैं तुम्हें खोजने और देखने की कोशिश भी नहीं कर रहा हूं। मैंने तुम्हें बिना देखे तुमसे प्यार करने के लिए तुमसे झूठ बोला था। मैंने तुमको देखने के बारे में कई बार सोचा और फिर अपनी सोच के बेस पर तुम्हारा चेहरा इमेजिन किया। सच तो ये है कि पहले ही दिन मैं तुम्हारे प्यार में पड़ गया था और जब तुमने मुझे वो SMS भेजा था, लेकिन मेरे सुस्त दिमाग को इसे प्रोसेस करने में थोड़ा सा टाइम लगा। माँ मीनाक्षी ने मुझे एहसास दिलाया कि हम अगर किसी से प्यार करते हैं तो वो दिल से प्यार करते हैं, अपनी आंखों से नहीं करते हैं। लेकिन अब मैं तुमको पूरे मन से और माता मीनाक्षी को साक्षी रखकर ये बताता हूँ कि मैं तुम्हें देखे बिना जीवन भर प्यार करता रहूंगा, ये बात फिक्स है। सुनो, आकर मुझे देखना और तभी मुझसे प्यार करना। मैं यहीं पर हूँ, विनायक बाबा मंदिर के सीढ़ियों पर बैठा हुआ हूँ। मुझे देख रही हो? बताओ ना। अच्छा है। एक दूसरे को देखे बिना प्यार में होने का कॉन्सेप्ट अच्छा लगता है। कम से कम इसमें जो फीलिंग्स होती है उसमें कोई शर्त नहीं होती। क्या हम इसे ऐसे ही कंटिन्यू नहीं रख सकते? अब इसमें पूछने के लिए और रखा ही क्या है, यही माता मीनाक्षी की इच्छा है। मुझको जरा तू दे बता, तुझको दिल में कैसे रख लूं, दिल में मेरे बस गया तू, तुझसे मैं कैसे कह दूं, दिल ये मेरा अब तो माने ना, मैं तो तेरे धीरे धीरे हो गई हूं ना, धीरे धीरे मेरी जान, कब से मैं तो तेरा हो गया, मेरी जान दिल में तू बसी है, मेरी जान दिल में तो तू ही है बसा, तुझे मैं कभी छोड़ू ना, मैं तो बस तेरा दीवाना, बात ये कोई जाने ना कैसी है अपनी दास्तां, मैं तो बस तेरा ही हूँ जान। कांग्रेस बेटा। आपको भी। थैंक यू डैडी। मुझे डायबिटीज नहीं है, मिठाई मैं भी खा सकता हूँ। अरे मैं अकेले थोड़ी खाऊंगा, लेना भाई। कांग्रेचुलेशंस बेटा, तुम्हारे डैड की एनुअल इनकम तुम्हारी मंथली इनकम है, आज से तुम्हारी हमेशा के लिए यही रेंज होनी चाहिए। आई लव यू बेटा। अंकल, बच्चे चाहे कितने भी महान क्यों ना बन जाए, इसका क्रेडिट सिर्फ माँ बाप को जाता है। बिल्कुल सही कहा बेटा, इसलिए तो कहते हैं ना कि एक गाय की देखभाल करो तो वो तुम्हें दूध देगी, और एक बेटी की देखभाल करो तो वो तुम्हें प्यार और इज्जत देगी। तुमने बिल्कुल सही कहा मीनू बेटा, ये वो सपना है जो मैं तुम्हारे लिए बहुत दिनों से देख रहा हूँ, और वो आज सच हो गया। ये क्या है डैडी? मैंने तुम्हारे नाम एक घर लिया है।
इसकी क्या जरूरत है? इसमें क्यों की क्या बात है? तुम्हारी पढ़ाई पूरी हो चुकी है, अब तुम्हें नौकरी भी मिल गई है, जिंदगी में अब सेटल होना बाकी है। कोई अच्छा लड़का देखकर तुम्हारी शादी हो जाए तो क्या बात है? अगर आज तुम्हारी माँ होती तो तुम्हारी पसंद पूछती, लेकिन अब मैं ही तुम्हारे लिए सब कुछ हूं। तुम्हारे दिल में कोई है क्या बेटा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है डैडी। और नहीं तो क्या, होता तो तुम मुझे पहले ही बता देती। देखा साले साहब। हाँ, सही कहा आपने। जानते हो मीनू के लिए मुझे कैसा दामाद चाहिए जो इसकी सारी ख्वाहिशें पूरी करे, एक जिम्मेदार पति हो और एक ऐसा लड़का हो जो मुझसे ज्यादा इसे प्यार करे। अब मैं ऑफिस के लिए निकलता हूँ। हाँ ठीक है। ये क्या किया तुमने? हा? तुम्हारे डैड तुमसे हमेशा एक फ्रेंड की तरह व्यवहार करते आए हैं, क्या तुमको अपने फ्रेंड से बात छुपानी चाहिए? मैंने तुम्हें एक लड़के से फोन पे बात करते देखा है। तुम्हारे डैड तुम्हारे साथ सब कुछ शेयर करते हैं और तुमने अपने डैड से इतनी इम्पोर्टेंट बात छिपाई। पता नहीं, डैडी ने जैसे ही मुझसे पूछा मैं बहुत घबरा गई। अंकल सुनो बेटा, तुम्हारे डैड की परवरिश पर मुझे भरोसा है। तुम जिस लड़के से प्यार करती हो ना, वो 100% दिल का अच्छा होगा। ये बात तुम अपने डैड को बताओ, वो खुशी खुशी उसे एक्सेप्ट कर लेंगे। जिस सच को तुम छुपा रही हो ना, जिंदगी तुम्हें उसी के साथ बितानी है, ना कि दुखी रहकर। तो अपने डैड को ये बात बताओगी ना? ठीक है अंकल, डैड शाम को जब घर आएंगे तब मैं उनसे बात करूंगी। हाँ चल, ये वाली निकाला। मैं उस रानी को इसमें डालने की कोशिश कर रहा हूँ, फिर भी नहीं जा रही है। रानी तो मेरी ही होगी, तुम लोग देखना। मैं तेरी कभी नहीं होने वाली, समझा? hey, बात करते समय अपने आसपास में ठीक से देख लिया कर यार, वरना तो यही होगा, तेरे चेहरे पर हमेशा तमाचा लगता रहेगा। समझ गया। हाँ, hey, उसका कॉल आ रहा है यार, एक मिनट। हाँ हाँ बताओ मिस क्लास। तो क्या कर रहे हो तुम? मेरे दोस्त तो आजकल रंगों के पीछे भाग रहे हैं, उन्हें अच्छे संस्कार सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। उन सबको छोड़ो और जिंदगी की नई शुरुआत की तैयारी करो। बोलो ना, मुझे क्या करना है? फोन पर बात करना बिल्कुल बंद। अरे सुनो 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 सुनो, तुम तो इसे शुरू करने के नाम पर सीधे खत्म कर रही हो। सिर्फ ये फोन ही तो है जो हमारे प्यार के कनेक्शन का जरिया है, तो तुम इसे काट कैसे सकती हो? हमें करना होगा, अगर ऐसा नहीं करेंगे तो हम मिलेंगे कैसे? क्या तुम मुझसे कह रही हो तुम मुझसे मिलना चाहती हो? मतलब हम अब मिल रहे हैं? तो फोन कॉल्स पर फुल स्टॉप लगाओ और एक नई जर्नी की शुरुआत करो। एक मिनट रुको। इसे देखकर ऐसा लग रहा है जैसे इसके ऊपर माता आ गई है। हाँ? बताओ ना, हम कब मिलेंगे? आज मिलेंगे। आज? हाँ। एक मिनट रुको। हम कहाँ पर मिलेंगे? डेविस ब्रिज। वो तो मेरी फेवरेट जगह है, मैं 5 मिनट में वहाँ पर पहुँच जाऊँगा। हेलो, कूदना बंद करो और अपनी एक्साइटमेंट कम करो, टाइम मैं तुम्हें बाद में बताती हूँ। हेलो हेलो हेलो, सुनो। क्या हुआ यार? उसने कहा कि वो मुझसे मिलेगी। नमस्कार राव सर। नमस्कार सर जी। ये मेरे प्रीमियम के बारे में आपको क्या पूछना? हाँ, लास्ट डेट है ना, आप तो टाइम पर करते हैं, इस पर देर कैसे हो गई? पर मैं पेमेंट कर चुका हूँ। कर दिया आपने, लेकिन सिस्टम में अपडेट नहीं है अभी। किस ब्रांच में किया आपने? मैं हमेशा एजेंट को देता हूँ, वो पेमेंट कर देता है। एजेंट कौन है? रघु। रघु? वो तो यहीं पे काम करता है। ए रघु सुन। हाँ? इधर आओ सर। हाँ प्रसाद जी, नमस्कार। यहाँ कैसे आना हुआ? राव सर कह रहे हैं कि लास्ट प्रीमियम अभी तक अनपेड है। मैं अपने घर पर गया था सर, कल कर दूंगा पेमेंट। क्या कहा तुम? अभी कल पेमेंट करोगे? पर ये कह रहे हैं कि लास्ट डेट आज है। एक दिन देर हो जाएगी तो क्या हो जाएगा सर? ये क्या बकवास कर रहा है तू? ये क्या कर रहे हैं सर?
सभी लोग देख रहे हैं, ये मेरी इज्जत की बात है, मुझे छोड़ दीजिए सर। लेकिन कल पेमेंट करने के लिए हमें कल तक जिंदा रहना पड़ेगा। सर ये मेरी इज्जत की बात है, छोड़ दीजिए प्लीज। रघु ये मेरे लाइफ की बात है, मान लो अगर मुझे आज कुछ हो जाता है तो इंश्योरेंस के बिना मेरे परिवार के भविष्य का क्या होगा, सोचा है तूने? इसे तू इतने हल्के में कैसे ले सकता है? हमें इसे ऐसे नहीं छोड़ना चाहिए, पुलिस को बुलाइए। धोखाधड़ी का मामला दर्ज करो और इसे अंदर करो। देखिए एक्साइटमेंट बहुत हो गया, अगर मेरा दिमाग घूम गया ना तो फिर ठीक नहीं होगा। इनके पास क्या सबूत है कि इन्होंने मुझे पेमेंट दिया, बताइए। हाँ? सर हाँ? तुझे सबूत चाहिए? अबे उनका भरोसा तेरे मुंह पर डर के रूप में दिख रहा है, पता है? यही तो प्रूफ है। ये सभी लोग खुद को इस सिचुएशन में इमेजिन करते हुए अपने आप में डर फील कर रहे हैं, यही तो सबसे बड़ा प्रूफ है। हमारी उम्र में ये तो एक छोटी सी बात है, लेकिन अगर उस उम्र में जाकर देखेगा ना तो तुझे एहसास होगा, जो अपनी फैमिली से प्यार करता है वो जानता है कि ये कितना इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन तुझे उस कमीशन की पड़ी है और ऊपर से बदले में इनको ताव दिखा रहा है। सॉरी सर, मैं कल पेमेंट कर दूंगा, अभी आप मुझे जाने दीजिए। बिल्कुल नहीं, तू अभी पेमेंट कर वरना मैं यहां से हिलूंगा भी नहीं। सर आप इनसे बात कीजिए ना प्लीज। सर जी आपका पेमेंट तुरंत हो जाएगा, आप चिंता मत कीजिए प्लीज। सर चला। सर आजा। सर सर जी हाँ? मैंने मैनेजर से बात कर ली है, आपका हाँ? काम आज हो जाएगा, आप बस यहाँ पर वेट कीजिए, वो आपको रसीद दे देंगे। सर 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 आज सर्वर कुछ डाउन चल रहा है, पेमेंट अपडेट होने में थोड़ा टाइम लग जाएगा सर। चल ठीक है, कितनी भी देर हो इन्हें रसीद देकर ही भेजना, ठीक है ना? ठीक है सर, मैं ध्यान रखूंगा, अभी चलता हूँ। ठीक है सर, मैं चलता हूँ। बेटा जब तक ये मुझे रसीद ना दे दे तब तक यहाँ रुक सकते हो क्या? तो ठीक है आइए मेरे साथ। लेकिन कहाँ? अरे आइए ना सर। आइए। लेकिन... बैठिए सर बैठिए। बाबा हाँ बेटा, कड़क चाय देना। ठीक है। हाँ मुझे किंग देना। हेलो, अबे सट्टा लगाना बकवास काम है, ये सब गलत है। वैसे भी कब तो इंडिया ही जीतेगी, मेरा कोटा 4 बियर का है ना। हाथ में सिगरेट, फोन पर दारू की बात और आसपास से गुजरने वाली लड़कियों को घूरते रहना, ये शराफत नहीं है। सर जी आपने कभी स्मोक किया है क्या लाइफ में? नहीं। आप अपने फ्लैशबैक में जाकर वहां पर सोचिए और फिर बताइए। हाँ ये तब की बात है जब मेरा 10th का रिजल्ट आया था, उस वक्त मैं टेंशन से कांप रहा था, तभी एक दोस्त ने मुझे एक पफ मारने के लिए कहा। हे भगवान क्या बदबू थी, मुंह बदबू से भर गया। उसके बाद मैंने स्मोक नहीं किया। और दारू? बिल्कुल भी नहीं। एक बार वापस फ्लैशबैक में जाकर सोच लीजिए, ऐसा कोई आदमी नहीं है जिसने कभी शराब नहीं पी। ऐसा है क्या? हाँ याद आया, एक बार दोस्तों ने मुझसे बैचलर पार्टी करने के लिए कहा, जिसके लिए मैंने दारू खरीदी, फिर उन सब ने शरबत में मिक्स करके मुझे धोखे से पिला दी, फिर सारी रात होती रही उल्टी बदबू, उल्टी और बदबू। उसके बाद आज तक मैंने जीवन में कभी हाथ नहीं लगाया। और औरतों का क्या? अरे तुम्हें मेरी उम्र का तो ख्याल रखना चाहिए बेटा, मुझे देखकर ऐसा लगता है क्या? औरतों से मेरा मतलब था प्यार से, इश्क, लव, मोहब्बत, ये सब मैं कह रहा हूँ। दिख गया, अभी दिख गया, मैं आपकी आंखों में प्यार देख पा रहा हूँ। फंस गए ना, आपकी कोई तो लव स्टोरी है, बोलिए बोलिए। हाँ मुझे याद आया, हमारे घर के ठीक सामने ही गीता नाम की एक खूबसूरत लड़की रहती थी। जब भी मैं घर से बाहर निकलता वो कागज का एक बॉल बनाकर मेरे ऊपर फेंक देती। फिर मैं किसी थ्रिलर फिल्म की तरह देखना चाहता कि उसमें है क्या, पर मेरा दोस्त मना करता। एक दिन फैसला कर ही लिया कि मैं उसे खोलकर देखूंगा। हाँ? उसने खून से आई लव यू लिखा था। अब मैं कैसे पीछे रहता, मैंने एक ब्लेड लिया और हाथ काट दिया और अपने खून से लिखा आई लव यू टू हनी और साथ में 3 एक्स्ट्रा लेटर भी भेज दिए। हमारी प्रेम कहानी की सीमा नहीं थी, दोनों साथ में सपने देखते, मीठी मीठी बातें करते। एक दिन ऐसा हुआ, मैंने उससे कहा, गीता इस दुनिया में हमें कभी भी कोई भी अलग नहीं कर सकता। और फिर मेरी पीठ पर एक जोरदार मुक्का पड़ा, देखा तो मेरे पिताजी खड़े थे।
वो गुस्से से बड़बड़ाने लगे और गीता डर से भागने लगी। समझ नहीं पाया कि हुआ क्या। उसके बाद मैंने पूरी जिंदगी कागज का फेंका हुआ कोई भी टुकड़ा भूले से भी हाथ नहीं लगाया। मतलब तो ये सिगरेट, शराब और औरतें, इन सब का आपने एक्सपीरियंस किया। फिर भले ही वो रॉन्ग हो या राइट हो चलेगा, लेकिन आपने छोड़ा नहीं, तो हमें भी तो ये हक है ना सर जी। अब आपने समझो एक दिन लिया, तो हमें दो दिन लग सकते हैं। इसमें कुछ नहीं कर सकते हैं। हम तो यूथ हैं सर, एंजॉय करने दीजिए ना। हेलो। हाय डार्लिंग। डैडी कहाँ है आप? दरअसल हम एक इंटरेस्टिंग टॉपिक पर बात कर रहे हैं। मतलब? अच्छा, आप घर कब तक आएंगे? वो लगभग एक घंटा। हाँ एक घंटा, इतना ही नफर। एक घंटे में आ जाऊंगा। ठीक है डैडी, जल्दी आ जाइएगा। ओके डार्लिंग, बाय। कौन है सर जी, आपकी गर्लफ्रेंड? हाँ बेटा, उससे भी कहीं ज्यादा, मेरी बेटी है। मास्टर जी, आपको देख के पता चलता है कि आप बेटी से कितना प्यार करते हैं। सही कहा तुमने, उसके बारे में तो सोच कर ही मेरे शरीर के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मैं शब्दों में नहीं बता सकता। आओ गाना गाते हैं। मैं तो सब कुछ जानू, सच बोला ना मुझसे तो बेटा, कुछ भी तू ना छुपा मुझको। अब तुम कुछ कम समझो ना, ना छुपा सब बता मुझसे रे। मैं जानू बातें खट्टी मीठी, बेटा मुझको ना तू सिखा। मैंने दुनिया देखी है यारा, ये सब ना मुझको तू बता। मैं जानू बातें खट्टी मीठी, बेटा मुझको ना तू सिखा। मैंने दुनिया देखी है यारा, ये सब ना मुझको तू बता। मैं तो सब कुछ जानू, सच बोला ना मुझसे तो बेटा, कुछ भी तू छुपा ना मुझको। अब तुम कुछ कम समझो ना, ना छुपा सब बता मुझसे रे। बताओ मिस क्लास, क्या बात है? क्या तुम 5 बजे मुझसे मिलने के लिए आओगे? हाँ बिल्कुल आ जाऊंगा, मेरी बाइक तो रॉकेट की तरह पहुंच जाएगी। ठीक है, 5 बजे मिलते हैं। सर जी, आपकी बेटी को किस तरह का लड़का चाहिए बताइए। मुझे वो ऐसे मिला, दिल मेरा था ऐसे खिला, अरे पल वो मेरा इतना यारा, अद्भुत सा था। होता है जीना कैसा यारा, मैंने जाना। मैं तो बस ये जानू, उसको ही दुनिया मानू। हाँ मेरे सपने उसको मैंने दिया, ना उसको कोई गम हो मेरे देवा, ना मुझको कभी तुम देना रुला। मैंने है उसको दिल से ज्यादा माना। मैं जानू बातें खट्टी मीठी, बेटा मुझको ना तू सिखा। मैंने दुनिया देखी है यारा, ये सब ना मुझको तू बता। मैं जानू बातें खट्टी मीठी, बेटा मुझको ना तू सिखा। मैंने दुनिया देखी है यारा, ये सब ना मुझको तू बता। मैं तो सब कुछ जानू, सच बोला ना मुझसे तो बेटा, कुछ भी तू छुपा ना मुझको। तुम कुछ कम समझो ना, ना छुपा सब बता मुझसे। ये क्या जो मुझे गाना था तुम गा रहे हो? अरे सर जी आप भी ना। एक मिनट। हाँ हेलो। हाँ बस बस अभी आ रहा हूँ। सर ये लीजिए आपकी रसीद। थैंक्स। मेनी मेनी थैंक्स बेटा, आज तुम ना होते तो पता नहीं क्या होता। कोई बात नहीं सर, फीलिंग्स सबकी एक जैसी ही होती हैं। कभी कभी हम उन पे कंट्रोल नहीं करते और वो बीपी और शुगर में बदल जाती है। कोई बात नहीं, इस बीपी शुगर को हमें कंट्रोल में रखना होगा।
गुस्सा आपकी उम्र को सूट नहीं करता है, कूल रहिए ना हमेशा। ओके सर जी, ठीक है। बाय बेटा। ए, क्या हुआ तुम्हें? चलो अब स्टार्ट हो जाओ। क्या बात है सर जी? पता नहीं बेटा, आज तुमसे मिलने के अलावा कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा। हम और ये पिछले 30 सालों से दोस्त हैं, ये आज मेरी बात नहीं सुन रहा। तो ठीक है, चलिए मैं ट्राई करके देख लेता हूँ। मेरी छोड़ के तुम्हारी कहाँ सुनेगा? लगता है ये बीमार हो गया है, डॉक्टर के पास लेकर जाना पड़ेगा। अरे आप एक मिनट हटिए ना, मुझे ट्राई करने दीजिए ना एक बार। ठीक है, कर लो। देखो तुम्हारे दोस्त सुबह से काफी टेंशन में बैठे हैं। तुम पिछले 30 सालों से उनकी हेल्प कर रही हो ना, तो अभी इनके साथ ऐसा कैसे कर सकती हो? समझने की कोशिश करो यार, बेचारा दोस्त उम्रदार है ना। नखरे कर रहा था तू है? थैंक यू, आपका दर्द देखे ये भी बेचारी इमोशनल हो गई, इसलिए इसका रिएक्शन थोड़ा लेट आया। ऐसा ही दोस्त सबकी लाइफ में होना चाहिए नहीं? ओके चलता हूँ सर। हाँ बाय। मुझे उससे मिलने के लिए डैडी से परमिशन मांगनी होगी, क्या करूँ? हेलो। हाँ मिस क्लास, मैं यहाँ पर पहुँच गया हूँ। हाँ तो क्या हुआ, तुम तो जिंदगी भर मेरा इंतजार करने वाले थे ना, तो थोड़ी देर इंतजार नहीं कर सकते? नहीं मैं करूँगा ना, इन दिनों सिर्फ तुम्हारी परमिशन का ही तो वेट कर रहा हूँ, अब तुमसे मिलने के लिए वेट कर रहा हूँ। एक बात बताऊँ तुम्हें, मेरी ये जो फीलिंग्स है ना वो चार्ट्स से बाहर। वेट 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 वेट, क्रॉस द बॉर्डर, लेकिन तुम लैंग्वेज नहीं समझोगे तो वहीं रहो। हाँ ओके। आ गए। हाय डैडी, आप आ गए। मैं आपका इंतजार कर रही थी। एक गुड न्यूज है। वो क्या है? मुझे नहीं पता आज सुबह मैं किसका चेहरा देख के। आपने पक्का मेरा चेहरा देखा होगा। पता है तुम्हें, मैं LIC ऑफिस से आ रहा हूँ। क्यों, वहाँ पे आपको सोना मिला क्या? अरे नहीं भाई, पर मुझे एक अच्छा दामाद जरूर मिल गया है। क्या मतलब? अक्सर हम किसी को थोड़ी देर के लिए देखते हैं और उसी आधार पर शादियां कर देते हैं, ये कभी नहीं सोचते कि उनका भविष्य क्या होगा। ये क्या है कि कोई आकर हमारे पास थोड़ी देर के लिए बैठा और हमने बिना कुछ सोचे समझे उसे अपना रिश्तेदार बना लिया। जब कोई दिल से अच्छा होता है तो उसका स्वभाव भी अच्छा होता है। वो लड़का एक ही घंटे में मेरे दिल में उतर गया। मैंने महसूस किया कि यही लड़का मेरी मीनू के लिए बेहतर है। मैंने मन से उसे दामाद मान लिया। लेकिन क्या आपने मीनाक्षी से पूछा, क्या आप जानते हैं कि वो कौन है, क्या काम करता है और कितना कमाता है? नहीं, पर मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि जिस लड़के की सोच अच्छी है वो धन दौलत भी कमा लेगा। मुझे एक बात बताइए, आपको ऐसा क्यों लगता है कि मीनाक्षी की शादी इतनी जल्दी कर देनी चाहिए? जरा सोच के देखिए, हम इसकी शादी किसी डॉक्टर या इंजीनियर से करवा सकते हैं। जो तुम कह रहे हो यही बात मैंने उससे कही थी। पता है उसने क्या कहा था? अरे सर जी एक मिनट। हाँ अगर आप गलत ना समझो तो मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। बोलो ना बेटा। सर जी मैंने आज का न्यूज़पेपर देखा, आप जैसे एक पिता ने अपनी बेटी की शादी एक अमीर फैमिली में कर दी। उस फैमिली में सारे लोग डॉक्टर्स हैं और शहर में भी उनका काफी बड़ा नाम है, लेकिन जो लड़का है वो बड़ा खराब निकला। उसे अपने एक्सपेरिमेंट्स की जो प्रैक्टिस करनी थी वो उसने अपनी बीवी पर कर दी। बेचारी लड़की वो दुनिया में नरक से बदतर जिंदगी गुजार कर सीधे स्वर्ग पधार गई। कोई फर्क नहीं पड़ता सर जी कि वो चाहे डॉक्टर हो, इंजीनियर हो या फिर एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर, इसलिए फैमिली को देखना बंद कीजिए और सीधे लड़के के कैरेक्टर को देखना शुरू कीजिए, क्योंकि मैं अच्छे से जानता हूँ कि आप अपनी बेटी से कितना प्यार करते हैं। लड़के का कैरेक्टर अगर अच्छा हो तो आपको टेंशन की जरूरत ही नहीं है, इसलिए उसके लिए ऐसा लड़का ढूंढिए जो आपकी बेटी से प्यार करता हो, तब जिंदगी कैसे गुजरेगी? आप समझ गए ना सर जी? तभी मैंने फैसला कर लिया था, उसके जैसा लड़का कहीं मिलेगा? मीनू की तरफ से तो टेंशन है ही नहीं और इसे वो नापसंद कर ही नहीं सकता, तो सब कुछ सेट हो गया ना। तुम्हारा फोन बज रहा है, देखो कौन है। वो इतना कुछ कह के चले गए और तुमने कुछ भी नहीं कहा। मैं क्या कहती अंकल, डैडी मुझसे कितना प्यार करते हैं, खुद से ज्यादा वो हमेशा मेरे बारे में सोचते हैं। पर क्या ये सही है? मुझे ये बताओ तुम इसे क्या जवाब दोगी अब?
मुझे नहीं पता अंकल। तो मैं बताता हूँ तुम्हें कि मुझे क्या करना चाहिए। अंकल अंकल रुकिए प्लीज। जीजा जी मैं ये कह रहा था कि अगर चुप रहो ना यार। ये फैसला मैं अपनी बेटी की सहमति से कर रहा हूँ, मुझसे कोई गलती तो नहीं हो रही। बोलो तुम। ऐसा कुछ नहीं है डैडी। अपने पापा पर भरोसा है ना तुझे? बचपन से लेकर आज तक आपने जो भी फैसले लिए हैं, वो सारे फैसले सिर्फ और सिर्फ मेरी खुशियों को ध्यान में रखते हुए लिए हैं। थैंक्स अ लॉट बेटा, पता था तू मेरी बात मानेगी, वो भी मान जाएगा मुझे भरोसा है। अब इससे ज्यादा खुशी की बात मेरे लिए क्या हो सकती है? मतलब तुम्हें इससे ज्यादा खुशी की जरूरत नहीं है ना? वो तुम्हारा बेवकूफों की तरह इंतजार कर रहा है। मैं अभी तुम्हें सलाह दे रहा हूँ कि जाकर अपने डैड को अपने प्यार के बारे में बता दो। देखो बेटा, उसे धोखा मत दो वरना जिंदगी भर चैन से नहीं जी पाओगी। मेरी बात मानो बेटा। फोन उठाओ ना। अरे तुम उससे बात करो। तुम मीनाक्षी, मीनाक्षी अंकल उससे बोलो कि तुम आ रही हो। डैडी आप क्या सोच रहे हैं? मीनू बेटी, हर इंसान की जिंदगी में कुछ इच्छाएं और सपने होते हैं, पर सभी के सच नहीं हो पाते। लेकिन बेटी, उसके साथ तेरे सारे सपने सच होंगे। सुबह होते ही मुझे तुम्हें उससे मिलवाना है। वो तुम्हें देख के पसंद कर ले। तुम्हारी शादी बहुत ही धूमधाम से होगी। बेटी एक बात बताऊं तुम्हें, मुझे ये तो नहीं पता कि तुम उससे शादी करके सीता माता बनोगी या नहीं, पर वो सचमुच राम है। बहुत ही अच्छा लड़का है वो। मेरी ये इच्छा पूरी होगी ना बेटा? हाँ जरूर होगी डैडी। अब ये सब सोचना छोड़िए और आराम से सो जाइए। मैं जानता हूं मेरी मीनू हमेशा मेरी बात मानेगी। मेरी कुछ हेल्प कर सकते हैं अंकल? बोलो बेटी। जिस लड़के के बारे में डैडी ने बताया था उसका पता लगाइए कि वो कहाँ है। तुम पागल हो गई हो क्या? इतना सब कुछ हो गया बेटा और तुम अब भी उसी बात पे अटकी हुई हो? अपने प्यार को हासिल करो, तुम तभी खुश रह पाओगी। मेरी बात मानो, उसके पास जाओ, मत सोचो कि तुम्हारे डैड ने क्या कहा था। अंकल आप समझ नहीं रहे हैं, अब ये मेरा कर्तव्य है कि मैं डैड की अंतिम इच्छा पूरी करूं। प्लीज समझने की कोशिश कीजिए। मरने से पहले डैडी ने मुझे कुछ बताया था, मुझे अपनी चाहत छोड़कर अब डैडी की इच्छा पूरी करनी है। मुझे उसे ढूंढना ही होगा। और इसको क्या बोलोगी तुम?
हेलो। अरे मैडम, मैं यहाँ पर कल से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। मैं समझ सकता हूँ कि तुम यहाँ आने की कोशिश तो कर रही हो पर आ नहीं पा रही हो, लेकिन मुझे बताओ तो कि तुम कहाँ हो, तो मैं खुद तुमसे मिलने आ जाऊंगा। यहाँ आकर क्या करोगे? क्या करोगे यहाँ आकर? तुम इतने गुस्से में क्यों लग रही हो? मैंने कुछ गलत कहा क्या तुमसे? ए, प्यार करना सबसे बड़ी गलती है, और आज की जेनरेशन में कोई किसी को देखे बिना प्यार कैसे कर सकता है? तुम सच में पागल हो। अरे ये क्या कह रही हो? उस दिन मंदिर में तुमने कहा था कि ये बहुत ही अच्छा लगता है, मतलब ये प्यार करना। और तो और, कल ही तुमने मुझसे कहा था कि हम मिल सकते हैं। एक ही दिन में ऐसा क्या हो गया जो तुम इतना बदल गई? हमारी जिंदगी हर घड़ी बदलती रहती है। सुनिए मिस क्लास, देखो अब ये सारी बातें कोई मायने नहीं रखती, क्योंकि मैं तुमसे प्यार नहीं करती हूँ। तुम मेरे लिए सिर्फ एक टाइम पास थे। टाइम पास? टाइम पास क्या कह रही हो तुम? हमने फोन पर कितनी बातें की, और हम दोनों में प्यार भी तो हुआ ना। भले ही वो फोन पर था, लेकिन प्यार तो था। उसे क्या कहें? इसे ही टाइम पास कहते हैं, प्यार नहीं कहते। ए, मैंने तुम्हें बहुत हल्के में लिया, तुम बहुत ज्यादा इमेजिन नहीं करते। मैं तुम जैसे लड़के से प्यार करूंगी। तुम्हारा लेवल क्या है और मेरा क्या है? तो इतने दिनों से तुम मेरे साथ? मैं सिर्फ तुम्हें आजमा रही थी, और अब मैं कंफर्म हो गई हूँ कि तुम मेरे लिए सही लड़के नहीं हो, और मैं तुम्हारे साथ अपनी पूरी जिंदगी नहीं बिता सकती। लेकिन मैं बिल्कुल नहीं बदला हूँ, मेरा प्यार आज भी सच्चा है। प्यार 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 क्या प्यार प्यार लगा रखा है? तुम मुझसे प्यार करते होगे, पर मैं तुमसे प्यार नहीं करती। प्लीज ऐसा मत कहो, तुम्हें भी मुझसे प्यार है ना? तुम मुझसे प्यार करती हो, मेरा दिल ये सब जानता है, लेकिन तुम कुछ छुपा रही हो जरूर। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बताओ प्लीज, लेकिन ये मत कहो कि तुम मुझसे प्यार बिल्कुल नहीं करती हो। प्लीज मैं तुम्हें दिल से चाहता हूँ। I love you। तुम्हें मेरी बात समझ में क्यों नहीं आ रही है? अब ये सब यही खत्म। देखो मुझे आज के बाद कभी कॉल मत करना, कभी भी नहीं। अपने पिता के लिए उसने अपनी खुशी को खत्म कर दिया, और तुमको देखे बिना भी तुम्हारी पूजा की प्यार किया। उन्होंने अपनी अंतिम सांस तक अपनी बेटी का बहुत ख्याल रखा। वो ये क्यों चाहते थे कि उसकी शादी तुम्हारे साथ ही हो, ये बात मैं आज तक नहीं समझ पाया। तुम मुस्कुरा क्यों रहे हो, पागल हो गए हो क्या? अरे ये क्या कर रहे हो तुम? मुझे मीनाक्षी नीचे उतारो। अरे नीचे उतारो, गिराओगे क्या? अरे मैं बूढ़ा हो गया हूँ भाई, नीचे उतारो। नीचे उतारो मुझे, गिराओगे क्या मुझे? तुम चाहते क्या हो तुम? मेरी मीनाक्षी कहाँ है? आपने सही कहा था डैडी, वो दूसरों का दिल जीतना अच्छे से जानता है, लेकिन उसका दिल जीतना बहुत मुश्किल है। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए डैडी, मैं आपकी अखिल इच्छा पूरी नहीं कर सकी, मैं फेल हो गई डैडी, मैं फेल हो गई। ऑफिस में आके वार्निंग दिया था ना, सोचा होगा कि मीनाक्षी कहाँ है तुझे बता दूंगा। मैंने तुझे वहाँ इसलिए भेजा था कि पता लगा सकूं कि मीनाक्षी कहाँ है। तुझे तो मीनाक्षी ने बताया ही होगा कि वो कहाँ है।
क्योंकि वो तुझसे बहुत ज्यादा प्यार करती है ना। चल भूल जाए सब, चल चलते हैं उसके पास। तू उससे सॉरी बोलना और मैं आई लव यू बोलूंगा। मुझे सॉरी तो कहना है लेकिन मीनाक्षी से नहीं कहना है, तुमसे कहना है। मतलब? देखो ये एक बहुत ही लंबी कहानी है लेकिन मैं इसे आसान कर देता हूं। दरअसल मुझे मीनाक्षी से प्यार नहीं है लेकिन मुझे अभी पता चला कि मैं हमेशा मीनाक्षी से ही प्यार करता आ रहा हूं। क्या तुम जानते हो कि मीनाक्षी और मैं कभी एक दूसरे के साथ अट्रैक्ट क्यों नहीं हुए? क्योंकि मेरी एक खुद की लवर है और वो है खुद मीनाक्षी। कसम से बोलता हूं मीनाक्षी की मुझे एक बाइट भी नहीं मिली। लेकिन एक बात जरूर क्लियर हो गई कि अगर मैं तुझे जाने दूंगा तो तू उसे प्रपोज करेगा, फिर तुम दोनों डांस करोगे, है ना? फिर मेरा क्या होगा? तुमने मुझे जुबान दी थी, वादा किया था मुझसे, और तुमने वो वादा तोड़ दिया। मुझे उनसे बहुत नफरत है जो वादा तोड़ते हैं। इसने अपना वादा तोड़ा है तो मुझे भी कुछ तोड़ना पड़ेगा ना। अपने बीच जो भी डील हुई थी वो डील कैंसिल। तुझे मारने के लिए पूरे 50 लाख रुपए दिए, ये फिक्स है। अशोक, अशोक मेरी बात तो सुनो। रुक जाओ, तुम पागल हो गए हो क्या? अशोक प्लीज मेरी बात सुनो। मेरी कोई फेल्योर लव स्टोरी नहीं है, सच में ये बहुत बड़ी सक्सेस है। मैं फिर से बता रहा हूं, मुझे मीनाक्षी से प्यार नहीं था लेकिन मैं जिस लड़की से प्यार करता हूं वो मीनाक्षी है। मैंने बहुत सी लव स्टोरी सुनी है लेकिन इसकी लव स्टोरी अपने ऊपर से निकल गई। तुझे समझ में आई क्या? हाँ बॉस। चल बता। वो मीनाक्षी से प्यार नहीं करता था लेकिन जिस लड़की से प्यार करता था उसका नाम मीनाक्षी है। चला आना। हेलो। हे मिस क्लास, आई लव यू। ए स्टूपिड, तुमने फिर से कॉल क्यों किया? मैंने तुम्हें पहले ही कहा था ना, इस जनरेशन में एक दूसरे को देखे बिना प्यार नहीं हो सकता। अगर दोबारा कॉल किया तो तुम्हें जान से मार दूंगी। सच में? हाँ सच में मार डालूंगी। मार डालो मुझे मिस क्लास, मार डालो मुझे। Thank you.
मैंने तुम्हें सच में बहुत हर्ट किया। पहली बार मैंने एक ब्लाइंड फूल की तरह एक प्यार की खोज की, पर अब वही प्यार मेरे सामने खड़ा था और मैं इसे पहचान ना सका। हर रोज एक लड़की को हर जगह मेरा पीछा करते देख मुझे लगा था कि वो कैरेक्टरलेस है, लेकिन मैं ये नहीं समझ पाया कि वो कितनी अच्छी औरत है, कितना अच्छा कैरेक्टर है उसका। मैं अंदाजा नहीं लगा सका। मैंने तुम जैसी एक अच्छी लड़की को डांटा, मैंने तुम्हारी बेइज्जती की। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई मीनाक्षी, मुझे माफ कर दो। तुम मुझे माफ करने के लिए आखिर कैसे कह सकते हो? मैंने भी तो तुम्हें धोखा दिया है और तुमने कुछ नहीं कहा, ढूंढते हुए यहाँ आ गए। मुझे तुमसे अच्छा आदमी और कहाँ मिल सकता है? तुम्हारी लाइफ में तुम्हारे साथ मैं तो क्या कोई भी लड़की जिंदगी भर खुश रहेगी, लेकिन मैंने अपने स्वार्थ के लिए तुम्हें दुख पहुंचाया। क्या तुम्हें गुस्सा नहीं आया? तुम मुझसे नाराज नहीं हो? जिस तरह तुम अपने डैड से प्यार करती हो उसे देखकर नहीं, और इमेजिन करो कि तुम अपने लाइफ पार्टनर से कितना प्यार करोगी। मुझे पता है कि तुम्हारे डैड तुमसे कितना प्यार करते थे। मुझे एक मौका दे दो मीनाक्षी, मैं अपना और तुम्हारे डैड का प्यार दोनों मिलाकर लौटूंगा। आई लव यू मीनाक्षी।